हेलो एवरीवन, द कॉन्सेप्चुअल आईएएस के इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम लोग रामसार वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 4-5 सालों में पुराने पुराने रामसार वेटलैंड, उनके फीचर्स, कौन कौन से वहाँ पे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। इसलिए हम सभी 80 के 80 रामसार वेटलैंड कवर कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग 35 से ज़्यादा रामसार वेटलैंड के बारे में कवर करेंगे। बाकी के बारे में ये समझेंगे कौन से स्टेट में है, कब बने, तो एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे इस सेशन में। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़िए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमको पूछिए। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें सामने आते हैं। जब हमने पिछली क्लास में नेशनल पार्क कवर किए तो हमने देखा कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन में आए, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में आए। जब हम वेटलैंड की बात करेंगे तो अब यहाँ पे टाइगर, लायन, इनकी नहीं, ज़्यादा बात होगी बर्ड्स की। जब ज़्यादा बातें होंगी उन वाइल्ड लाइफ की जो पानी में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स, बर्ड्स, फिशेस एंड मरीन ऑर्गेनिज्म की बात होगी। इसके अलावा ये वेटलैंड कब बने, इससे संबंधित यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लास्ट 5 ईयर में बनने वाले वेटलैंड पे थोड़ा अलग से उनकी टाइमलाइन पे फोकस किया जाए। कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन 1 बार केवल पूछा गया है, फिर भी हम लोग स्टेट चेक कर लेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ईयर 2014 के पहले इंडिया में नंबर ऑफ वेटलैंड बहुत कम थे, अचानक जो वेटलैंड बढ़े हैं ये ईयर 2014 के बाद और खासतौर से ईयर 2019 के बाद बढ़े हैं, इसलिए वो नए वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक चीज, और कमेंट के माध्यम से आपको जो भी चीजें पूछनी हो, जो डाउट हो उसमें आप लोग पूछिए। सबसे पहले इसी इमेज से शुरू करते हैं। देखो, बुलर जम्मू कश्मीर में है, होकेरा जम्मू कश्मीर में है, सोमररी लद्दाख में है। तो अगर ये पूछा जाए कि नदन मोस्ट वेटलैंड कौन सा है, तो आप मैप में देख के आसानी से बता सकते हैं। अगर इतने वेटलैंड आपको दिए जाएंगे तो इनमें नदन मोस्ट है वूलर, यानी कि सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सा है, तो वूलर लेक है, ठीक है। इसके अलावा सुरिनसार, चंद्राताल, पोंग डैम, रेणुका, तो ये चंद्राताल, पोंग डैम और रेणुका ये सब कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। रूपर, कंजली एंड हरिके पंजाब में है। सामर राजस्थान में है, केवला देव राजस्थान में है, अपर गंगा बराज या अपर गंगा रिवर ये वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। आइए और कुछ देखते हैं। हाँ, भोज वेटलैंड है भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात में, ठीक है। लोकेशन सबके देखते चलिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो हम देखते हैं तो दीपोर बेल असम में है, लोकटक मणिपुर में है और रुद्रा सागर त्रिपुरा में है। बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड पे आज हम अलग से फोकस करेंगे, कुछ खास बात है। इसके अलावा कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का में भी स्पेशल फोकस रहेगा, भितरकनिका और उड़ीसा में है। तमिलनाडु में कौन से वेटलैंड है, तो तमिलनाडु में पॉइंट कलिमोर। इसके अलावा वेम्बनाद है केरला में, आस्थामुड़ी है केरला में, सस्तम कोटा है केरला में, नॉट जस्ट दिस। इसके अलावा और कई नए वेटलैंड हमको पढ़ने को मिलेंगे, जिनको कि हम आने वाले पेजेस में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले समझते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी आपसे कि वर्ष 2014 तक, ईयर 2014 तक इंडिया में केवल 26, यहां पे देखिए केवल 26 रामसार साइट थी बस, और उसके बाद इंडिया ने 54 न्यू रामसार साइट्स ऐड करते हुए अब टोटल 80 वेटलैंड इंडिया में हैं, ठीक है। कब तक, तो आज ऑफ हमारे पास जो डेटा है वो जनवरी 2024 तक है, हमारे पास अब हैं 80 वेटलैंड्स। क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज किसी एक तारीख को नहीं हुआ है, ये डे बाय डे हुए हैं। इस वजह से ये जो लिस्ट में एडिशन हुआ है, लिस्ट का साइज बढ़ा है, तो ये न्यूज में बराबर रहे हैं। तो जो नए वेटलैंड है उनकी टाइमलाइन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड ये कहता है कि इंडिया की जो वेटलैंड हैं इनमें डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा है,
या वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और उसके पीछे कारण है टेक्नोलॉजी का और एंथ्रोपोजेनिक जो इंक्रोचमेंट है इन वेटलैंड का, जैसे वहां के रिसोर्सेस जैसे लैंड और एग्रीकल्चर का पेनिट्रेशन उन स्थानों पर, जिसके कारण ये वेटलैंड का एरिया घटा है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो सुंदरबन हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, आइए और कुछ चीजें देखेंगे। अब वेटलैंड को परिभाषित कैसे करते हैं, तो वेटलैंड एक ऐसा ट्रांजिशनल एरिया होता है जिसमें कि वाटर लॉगिंग बनी रहती है, यानी कि या तो पूरे साल पानी से भरा होता है जैसे कोई पोखर तालाब, या वर्ष के ज्यादातर समय उसमें पानी होता है और बाकी टाइम में मॉइस्ट सॉइल होती है, तो वहां पे अपने आप खरपतवार निकल आते हैं, खरपतवार निकल आएंगे, नॉन वूडी क्रॉप्स आ जाएंगी जैसे झाड़, तो ऐसे कंडीशन में उसे हम फिर स्वैम्पी, मार्सी या बॉक्स में कैटेगराइज करेंगे। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। अच्छा, जब हम कोस्टल वेटलैंड की बात करेंगे तो कोस्ट के वेटलैंड वो होते हैं जिनमें ओशियन का पानी पेनिट्रेट करता है, तो अप टू 6 मीटर डेप्थ तक ही हम उसे वेटलैंड कहते हैं, एंड बियॉन्ड दैट उसे हम वेटलैंड नहीं कहते। कोस्टल वेटलैंड क्या होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल होंगे, हमने बात करी कोस्टल वेटलैंड, एक वो वेटलैंड हो सकते हैं जो ओशियन वाटर किसी लैंड एरिया में आकर ट्रैप हो जाता है, उदाहरण के तौर पर कयाल्स बन जाते हैं, केरला में ऐसे वेटलैंड दिखाई देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि कोई मान लीजिए रिवर है वो किसी ओपन सी में एंटर करती है और वहां पर कोई डेल्टा बनाती है, कोई एस्चुरी बनाती है। अब आपको पता होगा ईस्टर्न साइड डेल्टा और वेस्टर्न साइड एस्चुरी बनते हैं। उदाहरण के तौर पर शोर लाइन, बीचेस, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, ये अपने आप में एग्जांपल हैं कोस्टल वेटलैंड के। दूसरा हमारे पास है सैलो लेक्स या पॉन्ड, जैसे कि तालाब, झरने वाले पूल, साल्ट लेक, वल्कानिक क्रेटर, ये सब सैलो वाटर बॉडीज होते हैं जो कि वेटलैंड बनते हैं। कुछ और चेक करेंगे। हाँ, मार्सिस क्या होते हैं, तो मार्सिस उन स्थानों को कहते हैं जहां पे पीरियोडिकली पानी भरा रहता है या वाटर सैचुरेटेड एरिया होता है। पीरियोडिकली मतलब ये पूरे साल भरे रहे ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। उदाहरण के तौर पर जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो कोई लो लैंड में पानी भर जाए, इसके बाद विंटर में वो पानी ड्राई होने लगे और समर तक वो सूख जाए, तो वहां पर अपने आप में वेजिटेशन ग्रो कर जाती है। ऐसे स्थान को हम लोग मार्सिस कहते हैं। इसमें छोटे मोटे तालाब हो सकते हैं, फ्लडेड एरिया हो सकता है। ठीक है, और यहां पर हर्बेसियस यानी कि नॉन वुडी वेजिटेशन ग्रो कर जाती है। इसका उदाहरण है जैसे टाइडल मार्सेस और नॉन टाइडल मार्सेस। टाइडल मार्सेस वो स्थान होते हैं जहां पे किसी सैलो बॉडी में पानी बहता रहता है बीच में। नॉन टाइडल मार्सेस वो होते हैं जहां पे पानी बहता नहीं है, भर जाता है और फिर वो सूख जाता है और वेजिटेशन आ जाते हैं, तो वो नॉन टाइडल मार्सेस होते हैं। स्वैम्स कौन से स्थान होते हैं जिनमें जनरली पानी का जो सोर्स होता है वो सरफेस से पानी कहीं ना कहीं आता है, और इसमें ट्री और स्क्रब दोनों पाए जाते हैं, तब उसे स्वैम्प्स कहते हैं। मार्सिस में ट्री नहीं पाए जाते, स्क्रब पाए जाएंगे, झाड़ियां पाई जाएंगी, ट्री नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और इसके उदाहरण हो सकते हैं फ्रेश वाटर स्वैम्प्स या साल्ट वाटर फ्लड प्लेन्स। साल्ट वाटर अगर मान लीजिए मरीन से कोई कॉन्टैक्ट है तो वहां पे मराइन वाटर आ जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई रॉक परसिस्ट करते हैं किसी स्थान पर, जिसकी वजह से जो NaCl या पोटेशियम क्लोराइड के पार्टिकल हैं वो वाटर में लीच हो रहे हैं। ऐसा हमने इग्नियस रॉक्स के केस में देखा है। आज भी हम उसका एग्जांपल देखेंगे कि उससे स्लोली सॉल्ट पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स, जिसकी वजह से वो पानी खारा हो जाता है। इसका उदाहरण लद्दाख में भी है, महाराष्ट्र में भी है। आगे आने वाले जब हम वेटलैंड का डिस्कशन करेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक है, बॉक्स क्या होते हैं, बॉक्स उन स्थानों को कहते हैं जो परमानेंटली वाटर लॉग्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, और
पानी कहां से आता है? जनरली रेनफॉल से या किसी रिवर से। एस्चुरीज, जब कोई रिवर किसी ओशियन में एंटर करती है, कैसे? आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने वेस्टर्न कोस्ट में देखते हैं, यह हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, अगर कोई रिवर फॉर एग्जाम्पल नर्मदा ऐसे प्रवेश करती है तो इसका फ्लो इतना तेज होता है कि ये एक ऐसा एरिया बना लेती है समंदर में, क्योंकि इसका पुश ज्यादा होता है, ओशियन के फोर्स से ज्यादा इस रिवर का फोर्स होता है, तो ये एक एस्चुरी ऐसा बन जाता है, ये एक फैन जैसा एरिया होता है जैसे ये, और इसमें पतली पतली धारियां के माध्यम से पानी समुद्र में प्रवेश करता है, तो इसे हम एस्चुरी बोलते हैं। ठीक, देखो ऐसा नहीं कि एस्चुरी बोलेंगे तो उसे हम एस्चुरियन डेल्टा नहीं हो सकता, उसको एस्चुरियन डेल्टा होगा तो एस्चुरियन डेल्टा बोलेंगे। टाइडियल मड फ्लैट्स हो सकते हैं, सॉल्ट मार्शेस हो सकते हैं, ये सब एस्चुरी के एग्जांपल हैं। आइए कुछ और फैक्ट समझते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, क्यों? बिकॉज ईरान के रमसार शहर में 1971 के साल में 2 फरवरी को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और रमसार कन्वेंशन पास किया जाता है जो कि ऑफिशियली लागू होता है वर्ष 1975 को। ठीक है, ये कन्वेंशन फोर्स में आता है 1975 को। इंडिया में 2021 में 2 फरवरी के दिन हमारा पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर बना, कहां पर? चेन्नई में। ठीक है, इतने फैक्ट यहां के लिए काफी है। और कुछ देखते हैं, एक टर्म बार बार आएगा, सेंट्रल एशियन हाईवे। तो सेंट्रल एशियन हाईवे क्या है? आपको न केवल सेंट्रल एशियन हाईवे बल्कि इतने हाईवेज पता होने चाहिए। ये कौन से हाईवे हैं? जमीन पे हैं? नहीं, ये वो हाईवेज हैं जहां से बर्ड गुजरते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ये एक पूरा एरिया होता है जिसमें बर्ड ट्रैवल करते हैं, तो ये बात हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एशियन हाईवे कौन सा है। ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये जो ग्रीन कलर से है, ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मतलब सर्टेन बर्ड्स हैं जो विंटर में साउथ की ओर आते हैं और समर में, ये विंटर में साउथ की ओर आते हैं और समर में नॉर्थ की ओर जाते हैं। क्यों? समर सदर्न एरियाज में वार्म होते हैं, तब उनको आइडियल टेम्परेचर मिलता है साइबेरियन एरियाज में और सेंट्रल एशिया में, खास तौर से ये जो ज्योग्राफी है, ये जो एरिया है यहां पर, इस वजह से। और जैसे अरल सी हो गया, बैकल सी हो गया, ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं साइबेरियन एरियाज में, तो वहां पर अपने हैबिटेट के लिए, पानी के लिए ये बर्ड्स उस समय जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो सदर्न कंट्रीज हैं नॉर्मली, और खासतौर से जो ट्रॉपिक के आसपास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हैं, तो वो इतना ड्राई होते हैं कि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी पर्याप्त नहीं होती, तो बर्ड को स्ट्रगल करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। सर्वाइव करने के लिए ऐसी कंट्रीज में बर्ड्स पूरे अपने फ्लॉक के साथ ट्रैवल करते हैं, और माइग्रेटरी बर्ड साल में औसतन 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। जस्ट इमेजिन कितने स्ट्रांग उनके पास फेदर हैं, लेग्स हैं, सेंसेस हैं, और कुछ तो साइंस होगा कि वो अपने डेफिनेट प्लेस से ट्रैवल करते हैं और डेफिनेट प्लेस तक आते हैं। तो पूरे इस एरिया में जो बर्ड्स ट्रैवल करते हैं, अब चूंकि इंडिया इसी जगह पड़ता है, इसीलिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हमारे वेटलैंड के डिस्कशन में बार बार आएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है क्या। इसके अलावा कुछ और फ्लाईवेज हैं, जैसे ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, पैसिफिक अमेरिका फ्लाईवे, अटलांटिक अमेरिकन फ्लाईवे, इसके अलावा ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, वेस्ट एशियन एंड ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, ये कुछ फ्लाईवेज हैं। इनको एक बार आप मैप में देख लेंगे। क्यों देख लेना जरूरी है? बिकॉज यूपीएससी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे किन किन देशों से होकर गुजरता है। शहरों वाला तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो अगर आपको मैप में जनरल आइडिया है तो आपको पता होगा कि कहां से वो नहीं गुजरता। बट सर्टेनली आपको जो पता होना चाहिए वो ये है, कौन सा? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है,
इसका जिक्र बार बार आएगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे देखा, कुछ और चीजें देखेंगे। मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड एक प्रॉपर रजिस्टर है जो रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, यानी कि रामसार वेटलैंड के बारे में इसमें लिस्ट होती है प्रॉपर उन वेटलैंड का जिनका की इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुआ है। इस इकोलॉजिकल कैरेक्टर के चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन होते हैं। तो ऐसे वेटलैंड को एक रजिस्टर में प्रॉपर लिखा जाता है, उसका कारण लिखा जाता है, उसके इकोलॉजी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फ्लोरा फौना की ईच एंड एवरी डिटेल होती है, तो उसे हम बोलते हैं मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड। भारत में अब तक कितने वेटलैंड मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में आ चुके हैं? अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से सुना तो उत्तर है 3। और अगर स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाए कि वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में हैं, तो उत्तर है 2। तो कौन से 2 वेटलैंड हैं जो मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में अभी हैं? तो एक केवलादेव नेशनल पार्क है, दूसरा लोकटक लेक मणिपुर है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा वेटलैंड पहला वेटलैंड है मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में आने वाला। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि भारत में दूसरा वेटलैंड है मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में आने वाला, जिसका नाम है चिल्का लेक। लेकिन चूंकि चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, चिल्का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसका ख्याल इतनी अच्छे से रखा कि बाद में इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों? चूंकि उसने अपना इकोलॉजिकल कैरेक्टर रिस्टोर कर लिया, इसलिए। ठीक है, तो याद रखेंगे केवलादेव और लोकटक लेक मणिपुर, ये 2 हमारे हैं जो कि मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में आने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पहला वेटलैंड है जो मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड में आया भारत की ओर से। चलिए, तो अब हमारे पास डिटेल्स हैं। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा एज ऑफ जनवरी 2024 तक के हमारे पास वेटलैंड है। इसके बाद का अगर कोई एडिशन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में उसका नाम लिख के भेज देंगे, तो मैं उसे किसी दूसरे स्पेशल सेशन में, जो एनवायरनमेंट का स्पेशल सेशन होगा, तो डिटेल से कवर करवा दूंगा। लेकिन अब तक हमारी जानकारी के हिसाब से, एज ऑफ जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के हिसाब से, हमारे पास पूरे 80 वेटलैंड हैं जिनके बारे में हम एक एक का डिटेल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आस्तामुड़ी वेटलैंड कहां पर है, केरला में। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पुराने हैं, जब ये डेट्स नए आएंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। इसका एरिया जरा देख लो, एरिया कितना है, 61.4 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको हम लोग इग्नोर कर लेंगे। सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरबन। चलिए, तो ये केरला में कहां पाया जाता है, तो ये बैक वाटर का एरिया है कोलम डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें रिवर कलाडा एंड पालिकल ड्रेन करती है, यानी कि इस वेटलैंड में पानी कहां से आता है, तो रिवर कलाडा से और पालिकल से। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 3 इससे पास होता है। ठीक है, क्या पास होता है, नेशनल वाटरवे 3। ये एक एस्टुरी बनाता है समुद्र के पास, कहां पे, तो ये नींदाकारा जगह है। अब ऐसे टर्म यूपीएससी को बहुत पसंद आते हैं कि इनमें से नींदाकारा क्या है, एक फ्लोरा की स्पीसीज, एक फौना की स्पीसीज, एक खास तरह की तितली, या कोई एस्टुरी। ठीक है, याद रखिए, छोटे छोटे फैक्ट याद रखिए। दूसरा, इसमें दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट बैक वाटर फिश पाई जाती है केरला में। ठीक है, जिसका नाम है कारीमीन, वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट फिश पाई जाती है जिसका नाम है कारीमीन। कयाल इस फॉर्म, हाँ, ये कांजीरा कोट कयाल, पूरे कयाल का नाम लिख लीजिए, ये आस्तामुड़ी लेक का पार्ट है। ठीक है, दूसरा, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे पाया जाता है, पंजाब में। बस इसमें इतना ही जानना है, एरिया कितना है, 64 स्क्वायर किलोमीटर, नॉट इंपॉर्टेंट। तीसरा, भीतरकनिका मैंग्रोव्स, क्योंकि हमने भीतरकनिका नेशनल पार्क पहले पढ़ा ये स्टडी की क्लास में,
तो हमको ज्यादातर चीजें तो इसमें पता है, कुछ जो एडिशनल बातें हमको पता होना चाहिए वो ये कि इसमें गहरा मत्था बीच जो ओशन में बीचेस होते हैं वो भितरकनिका मैंग्रोव से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है सिंस ईयर 2002, फाइन। एंड द नेक्स्ट इज भोज वेटलैंड। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि भोज कहां पर है, मध्य प्रदेश में भोपाल में भोज वेटलैंड है। इसमें दो पार्ट है, एक भोज ताल है जो अपर लेक है, दूसरा लोअर लेक इसमें एक और एरिया पड़ता है, ठीक है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। अपर जो इसमें लेक है ये भोपाल शहर में पानी का जो डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर है, पीने का पानी, नहाने का पानी, वॉशिंग वाटर, इन सबकी सप्लाई के लिए अपर लेक का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कौन सी इसमें स्पीसीज है, हाँ ये वर्ल्ड का वो भोपाल का शहर का करीब 40% वाटर सप्लाई अपर लेक से होता है। इसमें इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन से हैं, तो व्हाइट स्टोक, ब्लैक नेक्ड स्टोक, बार हेडेड गीस एंड स्पून बिल्स, ये सभी बर्ड्स हैं। हम लोग इनके पिक्चर अभी आने वाले सेशंस में और आने वाले पेजेस में और देखेंगे। इसके अलावा इसमें सारस क्रेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है जो भोज लेक में पाई जाती है। चंद्रताल वेटलैंड कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, दैट्स इट, इतना ही उसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट चिल्का लेक कहां पे है, ओडिशा में, जरा इसके बारे में कुछ ध्यान से देखेंगे, काफी कुछ इसमें देखने के लिए। चिल्का लेक कहां पे है, ओडिशा में, ये अपने आप में, हाँ इसी के बारे में हमने बात करी थी कि ये मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड का एक बार पार्ट था, ये मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड का पहला वेटलैंड नहीं है, ये एक बात आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूंकि चिल्का वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस वेटलैंड का ख्याल इतने अच्छे से रखा कि इसने अपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया और इसका जो ओरिजिनल इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो अब मेंटेन है। इस वजह से मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड से इसने अपना नाम वापस ले लिया, या मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड ने चिल्का लेक का नाम लिस्ट से हटा दिया। अब इसका पानी कैसा है, तो ये ब्रैकिश वाटर है। कैसा, ब्रैकिश वाटर, चलो जी हाँ, ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी जो थोड़ा नमकीन है, नॉट एग्जैक्टली कि उसमें साल्ट पार्टिकल, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हो, ये ब्रैकिश वाटर है, दैट्स इट। डिस्ट्रिक्ट पुरी, खोरदा और गंजम, ये तीन डिस्ट्रिक्ट से अपनी ज्योग्राफी शेयर करता है। कौन, चिल्का लेक, बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है। इसका एरिया कितना है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर, यहां 1100 लिखा है तो 1100 से अधिक है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए ये सेकंड लार्जेस्ट है, पहले यहां पे देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन वर्ल्ड आफ्टर मराओ लगून। ये मराओ लगून कहां पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसमें 160 तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स अपने सीजन के पीक में बड़े पैमाने पे इसमें आते हैं। कुछ और चीजें देखते हैं, 1981 में चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया था फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। इन 2002 रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड इसको मिल चुका है, किसको, चिल्का लेक को। चिल्का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के कारण चिल्का लेक का नाम मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड से हटा। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड से किसी लेक का नाम कैसे हटता है, ठीक है। कुछ और चीज देखते हैं, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज पाए जाते हैं, तो व्हाइट बिल्ड बिलीड ईगल, ग्रे लेग गीस, पर्पल मोरेन, जेस्काना फ्लेमिंगोस, ये मेन स्पीसीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नलबाना आइलैंड इसका कोर एरिया है, चिल्का लेक का कोर एरिया है नलबाना आइलैंड, और इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड पाई जाती है, इसमें नलबाना आइलैंड में, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, इरावडी डॉल्फिन इसकी फ्लैगशिप स्पीसीज है, किसकी,
चिल्का लेक के, तो इरावड़ी डॉल्फिन मरीन वाटर डॉल्फिन है, मतलब नॉट फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो इरावड़ी डॉल्फिन के बारे में एक बात याद रखना, वो इसकी फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज का क्या मतलब होता है, उस स्कीम उस स्पीसीज को फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए किसी वेटलैंड या किसी इकोलॉजी के करेक्टर को रिस्टोर किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। यानी कि वहां पर जो गवर्नमेंट की ओर से स्कीम चलेगी, पीपल की ओर से जो वहां पे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। स्कीम इस हिसाब से चलेगी कि वो जो स्पीसीज है उसको मिनिमम उसको डैमेज ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे ग्रो कर सके, उसके हिसाब से इकोलॉजी वहां पे बनाई जा सके। तो वो स्पीसीज होती है फ्लैगशिप स्पीसीज। अगेन, फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसके अनुसार किसी इकोलॉजी को रिस्टोर या डेवलप किया जाता है। तो हमारे केस में चिल्का लेक के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी है, तो इरावड़ी डॉल्फिन, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और देखेंगे, चिल्का लेक इज द होम ऑफ ओनली टू नोन पॉपुलेशन। देखो जब ओनली लग जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इरावड़ी डॉल्फिन इन इंडिया एंड ओनली टू लगून्स इन द वर्ल्ड, इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन 5 of 7 प्लेसेस नोन टू लिव। जिन 7 स्थानों में रहती है उनमें से 5 स्थानों में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN की एक रेड लिस्ट होती है, उसमें किसी स्पीसीज को नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया जाता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि वो स्पीसीज की संख्या कितनी बची है। अगर कोई स्पीसीज की संख्या केवल 50 है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा या उसमें मैसिव रिडक्शन है पॉपुलेशन में ओवर लॉन्ग ईयर, तो वो अपने आप में क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। आपको स्पेसिफिक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कब कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड होती है, कब कोई स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है। और एक बात स्पष्ट तौर पर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया में इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो एंडेंजर्ड हैं वो इंडिया में इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड जो इंडिया में एंडेंजर्ड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं UPSC एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए चिल्का लेक के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया है। नेक्स्ट, दीपोर बील कहां पे है, असम में है। बील कौन सा स्थान होता है, वो लो लैंड होता है जो डिपोजिशन के कारण एक प्लेन एरिया बन जाता है, तो वो नॉर्मली ये 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा तक हो सकता है। असम में दीपोर बील है। ठीक है, हम बात कर रहे थे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की, साथ में हमने ये कहा था कि ये अपने आप में कई कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में समझते हैं पहले। तो इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है मैन का, सॉरी ह्यूमन का, जिसने इस वेटलैंड को इस तरह से यूटिलाइज किया कि वो वेटलैंड के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को न केवल मेंटेन रखता है, न केवल रिस्टोर करता है, बल्कि उसको और स्ट्रेंथन करता है और उसमें जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से रिसाइकल करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स उस वेटलैंड के लिए नेगेटिवली हार्मफुल नहीं होते तथा उसका पानी एग्रीकल्चर तथा डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेटलैंड के कुछ एरिया को फार्मिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि जो उसका ऑर्गेनिक नेचर वो मेंटेन रहता है और इसमें एक बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, खासतौर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वो वहां पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, इसलिए ईस्ट कोलकाता वेटलैंड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने इस करेक्टर के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है। ठीक है, वर्ल्ड रिनाउंड एज मॉडल ऑफ मल्टीपल यूज ऑफ वेटलैंड। जैसे कि हमने बताया इसमें पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर यूज होता है, इसमें इसके न्यूट्रिएंट्स को रिकवरी करने का सिस्टम है, बायोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से न्यूट्रिएंट को रिकवर किया जाता है, पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट वेयर कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल प्रोसेस हैज बीन अडॉप्टेड टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये याद रखेंगे
अगर मेंस में कभी आपको उत्तर लिखना हो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, तो आप ईस्ट कोलकाता वेटलैंड का एग्जाम्पल याद रखिए, इसके बारे में लिखिए, ठीक है, जो बातें अभी आपने सीखी। कुछ और चीजें, हाँ, इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, इसमें लाइवलीहुड मिलता है अप्रोक्सीमेट 50,000 लोगों को, मतलब 50,000 लोगों को करीब, उससे ज्यादा लोगों को यहाँ पे जीवन यापन के लिए, इकोनॉमी मेंटेन रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी का जरिया बनता है ये वेटलैंड। हरके वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में जी, अपने आप में सैलो वाटर रिजर्वायर है, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो कॉन्फ्लुएंस में है, किसके कॉन्फ्लुएंस में? ब्यास एंड सतलज रिवर के, ठीक है। अब इस वेटलैंड में फ्लोटिंग वेजिटेशन बड़ी डेंस है, फ्लोटिंग वेजिटेशन से आपको क्या याद आया? लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, यस। लेकिन मणिपुर की जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है ना, वो कुछ अलग है, अलग इन द सेंस कि वो बड़ी यूनिक है, उस तरह का वेटलैंड दुनिया में और कहीं नहीं है। सो डेंस फ्लोटिंग वेजिटेशन है जिसकी सफाई करनी पड़ती है, कहां पर? व्यास में, हरिके वेटलैंड में। और इस वेटलैंड को लीज पे दिया जाता है कॉमर्शियल फिशरी के लिए, तो इस वेटलैंड का कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन है, ऐसा बहुत कम वेटलैंड के साथ देखा जाता है जिसे लीज पे दिया जाता है कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन हाँ, इससे आपको एक बात पता चल गया, वो ये कि वेटलैंड को लीज पे दिया जा सकता है। अगर मान लो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछे कि वेटलैंड को लीज पे दिया जा सकता है, यस और नो, तो उत्तर है यस। रामसार वेटलैंड को लीज पे दिया जा सकता है, यस दिया जा सकता है। और देखते हैं, हरके वेटलैंड पंजाब में है, चलिए होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है। सो ये कहां पे है? ये पीर पांजाल की जो पहाड़ियां हैं उसके पीछे है। पीर पांजाल की पहाड़ियां स्नो कवर्ड होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पानी रिलीज होता है, खासतौर से वर्ल्ड साल के 8 से 9 महीने के आसपास, अगर हम दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना छोड़ दें तो बाकी महीनों में उससे पानी रिलीज होता है, जो स्नो मेल्ट होती है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका पानी रिलीज होता है। और ये पानी कहाँ पे जाता है? होकेरा वेटलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, ये श्रीनगर से केवल 10 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर पॉपुलर सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, ब्यूटीफुल सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, सो उससे कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। और हाँ, झेलम से इसमें पेरिनियल वाटर की सप्लाई भी होती है। झेलम रिवर, आप कभी श्रीनगर जाइए तो देखिए कि वहां पे विसर्पाकार यानी कि मियांडर करते हुए श्रीनगर से निकलती है झेलम रिवर। चलिए, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं? तो ये वाटरफॉल स्पीसीज है, बर्ड की स्पीसीज है, लार्ज ईग्रेट है, ग्रेट क्रिस्टेड ग्रैब है, लिटिल कॉर्मोरेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये टफ डक, और वेरी इंपॉर्टेंट है एंडेंजर्ड व्हाइट आइड पॉचर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइबेरिया, चाइना और सेंट्रल एशिया से आने वाले कई माइग्रेटरी बर्ड यहां पे आते हैं। देखो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे दिखाने का हमारा पर्पज यही था कि अगर कहीं कभी किसी वेटलैंड के बारे में ये लिखा हो कि इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, देखो वो स्टेटमेंट सही होगा। जब तक किसी वेटलैंड में आपको ये ना लिखा मिले कि इस वेटलैंड में माइग्रेटरी बर्ड नहीं आते, तब तक आप ये मान के चलोगे कि इस वेटलैंड में माइग्रेटरी बर्ड आते ही होंगे। क्लियर है ना? क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि हम हर वेटलैंड में ये ना बताएं कि इसमें माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, ये सेंट्रल फ्लाई एशियन रूट में पड़ता है, मे बी कि हम हर वेटलैंड के केस में ये आपको ना बताएं, लेकिन आप तब तक मान के चलोगे कि ये कथन सही है जब तक कि आप स्पष्ट तौर पर कभी ये ना पढ़ो कि किसी पर्टिकुलर वेटलैंड में माइग्रेटरी बर्ड नहीं आते, तब तक आप मान के चलोगे आते ही होंगे। ठीक है, देखिए माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में बड़े पैमाने में आते हैं। कभी आप कोई रिवर, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है प्रयागराज में, तो अगर आप प्रयागराज जाते हैं, अलाहाबाद जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे भी माइग्रेटरी बर्ड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कब दिखाई देते हैं? नवंबर दिसंबर के महीने में। तो जब छोटे छोटे एरियाज में, तो ये वेटलैंड तो बहुत बड़े होते हैं। गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस अपने आप में 2.5-3 किलोमीटर चौड़ा है और करीब 12 से 15 मीटर लंबा है, किलोमीटर लंबा है और 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगर वहां पर
माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, तो बस आप ये कल्पना कीजिए कि ये सब तो बड़े वेटलैंड हैं, ये तो बने इसीलिए हैं कि माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी नेस्टिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे दे सकते हैं, अपने खाने पीने के लिए एक फूड साइकिल का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम इसके बारे में क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ टिपिकल मार्शी वेजिटेशन भी पाई जाती है, कौन कौन से, नॉट इंपॉर्टेंट, कंजली वेटलैंड। देखो कंजली वेटलैंड को एक कारण से आप याद रखना, पंजाब में है ये तो ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। इसमें ये यूपीएससी ने एक बार हाइसिंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ये हाइसिंथ क्या है, तो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो पानी को कोलोनाइज कर लेती है, कोलोनाइज करने का मतलब उसमें डोमिनेट करती है, ठीक है। दूसरी दूसरी वजह यह है कि ये रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, किस रिलीजन में, सिख रिलीजन की पिलग्रिमेज के लिए जानी जाती है, बिकॉज गुरु नानक देव जी इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। और केवला देव नेशनल पार्क, हमने नेशनल पार्क वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, सो यहां पर उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि ये मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड का पार्ट अभी भी है, इट इज पार्ट ऑफ मोंट्रियाक्स रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहां पर है, पंजाब में। कोलेरू लेक कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। क्या याद रखना है, किंगफिशर यहां पाई जाती है, किंगफिशर क्या है, एक बर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हेरॉन की कुछ स्पीसीज भी पाई जाती हैं, तो किंगफिशर की कौन कौन सी स्पीसीज हैं, स्मॉल एंड ब्लू किंगफिशर, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर, और हेरॉन की कौन कौन सी स्पीसीज है, तो रीफ हेरॉन, ग्रे हेरॉन, नाइट हेरॉन, ये बर्ड्स हैं सभी के सभी। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में है, इसके बावजूद भी आप, नॉट एग्जैक्टली कोस्टल एरिया है, ये इनलैंड में, बट यस कोस्ट से नजदीक है, बट ये फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यादातर वेटलैंड इंडिया में फ्रेश वाटर है, कौन से फ्रेश वाटर नहीं है, अगर आप इतना ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा। और लोकटक लेक मणिपुर का, हम इसमें ज्यादातर चीजें देख चुके हैं कि इसमें फुमदीज होते हैं, फुमदीज अपने आप में वहां की ग्रासेस होते हैं, बेसिकली वो लंबे समय तक डिपॉजिट होते 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 उसके ऊपर नई ग्रास उगाते हैं और धीरे धीरे वो इतने सॉलिड सरफेस बन जाते हैं कि उसमें घर बनाकर या पार्क बनाकर गेम्स करवाए जा सकते हैं, इस तरह के फुमदीज हैं। इसमें कुछ और बातें याद रखना है, लोकटक नाम कैसे पड़ा, लोक का मतलब होता है स्ट्रीम, तक का मतलब होता है एंड, यहाँ यानी कि जहां पर स्ट्रीम्स आकर एंड हो जाते हैं, इसलिए लोकटक का अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम देखते हैं कि ऐसे स्ट्रीम्स यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे रिवोल्यूट्स हैं या रिवर्स हैं, रिवर्स और रिवोल्यूट में अंतर यह है कि रिवोल्यूट वो छोटी छोटी पानी की धाराएं होती हैं जो किसी रिवर एक साथ मिलकर रिवर बनाते हैं, तो इस केस में ऐसे छोटे छोटे रिवोल्यूट्स और रिवर्स आते हैं और इसमें एक ताल में आके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोकटक कहते हैं, ठीक है। एक और बात, मोरियांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, फुमडीज के लिए जाना जाता है, किबुल लामजो नेशनल पार्क इसे एसोसिएटेड है। इसमें ये वाला पार्ट अब आपको देखना है कि एंडेंजर्ड हिरन जिसका नाम है संगाई, जिसको मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर भी कहते हैं, वो यहां पर डांस करता है। एक्चुअली वो डांस नहीं करता, वो जब इन फुमदीज में चलता है ना, तो वो चूंकि फुमदीज कई बार ऐसी फुमदीज होती हैं जिनमें कि फ्लक्चुएशन होता है, हिलते हैं, तो दूर से वो हिरन डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, चूंकि कई जगह ऐसे भी होते हैं जहां फुमदीज पास पास होते हैं, हिरन जंप करके करके एक दूसरे फुमदीज पे घूमता रहता है, तो दूर से दिखाई देता है जैसे हिरन डांस कर रहा हो, इसलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, किसको, संगाई डियर को। इसके अलावा अगर ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सेंड्रा टूरिस्ट हब किस वेटलैंड से एसोसिएटेड है, तो उत्तर होगा लोकटक। हाँ, संगाई डियर के बारे में एक बात और याद रखना, संगाई डियर इज वन ऑफ द थ्री सब स्पीसीज ऑफ ईल्स डियर। ईल्स डियर एक टाइप है जिसका सब टाइप है संगाई डियर। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, गुजरात में। ये नेचुरल फ्रेश वाटर
वेटलैंड है, इसमें लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड। अच्छा, ये थार डेजर्ट के एक्सटेंट में है, थार डेजर्ट राजस्थान वाला सेंट्रल एशियन हाईवे का पार्ट है। इसमें एक टील जो कि बर्ड की स्पीसीज ही पाई जाती है और सारस क्रेन भी इसे एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है। गुजरात का नाम आते ही इंडियन वाइल्ड एस आपको पता होना चाहिए, एक तरीके का गधा है बट ये एंडेंजर्ड है। यहाँ पे देखो ये एंडेंजर्ड है, जब भी कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड होती है तो इंपॉर्टेंट होती है। नांदूर मधमेश, नांदूर मधमेश्वर, नांदूर मधमेश्वर वेटलैंड कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये रिपेरियन फॉरेस्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू का पार्ट है। एक बात ध्यान देखें, ये रिपेरियन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई प्लेट्यू या कोई माउंटेन, इसका डिपोजिशन नीचे ऐसे होता रहता है, या प्लेट्यू उसका डिपोजिशन ऐसा होता रहता है, तो ये एक प्लेन सा बन जाता है, फिर इसमें वेजिटेशन ग्रो करती हैं और बड़ी वेजिटेशन ग्रो करती हैं और धीरे धीरे फिर इसमें पानी भी, मान लो रिवोल्यूट से या वर्षा का वन वर्षा जल आके भरता है, पानी भी भर जाता है, तो एक तरीके से एक ऐसा मार्शी लैंड वहां पर डेवलप हो जाता है जो कि वेटलैंड की तरह दिखाई देता है। सो ये अपने आप में रिपेरियन वेटलैंड कहलाते हैं, ठीक है। इस अब चूंकि इसको कंस्ट्रक्शन कराया गया था नांदूर मधमेश्वर में, सो ये कन्फ्लुएंस में है, किसके कन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पे कोई नदी आके मिलती है, एक दो तीन नदियां जहां पे एडज्वाइन करती हैं, तो कौन कौन सी नदी, गोदावरी और कड़वा रिवर्स इंपॉर्टेंट है। गोदावरी और कड़वा रिवर्स के ज्वाइनिंग एरियाज में ये वेटलैंड बना हुआ है। अच्छा, इसको चूंकि हमने आपसे बताया कि ये कंस्ट्रक्टेड है यानी कि मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा इसे बनाया गया है, तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि गर्मियों में वाटर शॉर्टेज के समय पानी की सप्लाई की जा सके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये पूछा जाए कि नांदूर मधमेश्वर वेटलैंड क्या रेन शैडो एरिया में पड़ता है, तो हमने आपसे रेन शैडो एरिया कल भी डिस्कस किया था नेशनल पार्क वाले डिस्कशन में, आज फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन है तो इसका ये जो एरिया है ये रेन शैडो एरिया पड़ेगा। हमने इसको इस तरह से क्यों बनाया, चूंकि इंडिया में साउथ वेस्ट, वेस्ट का मतलब ये और साउथ का मतलब नीचे से, यानी कि मानसून ऐसे आता है, यहां पर जो रेनफॉल है किसी पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज्यादा होता है बट इस पार्ट में वो रेनफॉल कम होता है, चूंकि ये छाया वाला एरिया पड़ता है, शेडेड एरिया पड़ता है, यानी कि ये मानसून ऐसे क्रॉस करता है और रेनफॉल होते हैं यहां पर होते हैं, बट ये जो एरिया है ये शैडो एरिया हो जाता है, इसे रेन शैडो एरिया कहेंगे, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट के रेन शैडो एरिया में पड़ेंगे, इसमें लेपर्ड और इंडियन सैंडलवुड यानी कि चंदन पाया जाता है, और इसके अलावा इंडियन वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, कॉमन वाटर वल्चर और सॉरी कॉमन वाटर हाइसिंथ, ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है ये सब इसमें पाई जाएंगी। नेक्स्ट, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? पंजाब में, नांगल भाखड़ा नांगल से आप एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा, साथ में पिक्चर्स जो पीछे पीछे है ना, वो कुछ हमने जो इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी पिक्चर भी हमने आपको दिखाई है ताकि आप उनको याद कर सको, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपने आप में शिवालिक हिल्स के, हाँ शिवालिक हिल्स के निचले हिस्से में लोकेटेड है। इसमें इजिप्शियन वल्चर पाया जाता है, किसमें? नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है, और ये इजिप्शियन वल्चर है, ठीक है, इस चित्र को ध्यान देंगे, ये क्या है? इजिप्शियन वल्चर है, ये भी मैन मेड रिजर्वायर है, आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम से एसोसिएटेड है ये। और देखेंगे इसमें भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट 1961 में शुरू किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट के बारे में ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये आ जाए कि इंडिया में कौन सा वेटलैंड
फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है विच ऑफ द वेटलैंड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि पंचशील के सिद्धांतों से कौन सा वेटलैंड जुड़ा है, तो नांगल वेटलैंड जुड़ा है। क्यों? बिकॉज इंडियन एंड चाइनीज प्रीमियर्स ने यहां पे ये कमिटमेंट एक्सप्रेस किया था इस वेटलैंड के बनने पर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये एक बात याद रखना, ज्यादातर वेटलैंड को डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ही मैनेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, बट साथ में शहर का नाम केवल बदल जाएगा। तो यहां पर रूपनगर डिवीजन के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसका ध्यान रखते हैं। मतलब ये कि अगर लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई वेटलैंड होगा तो वहां पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लखनऊ। ठीक है ना, कौन किसको मैनेज करता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइए कुछ और चीजें देखेंगे। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, अब इसका टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। क्यों? ये 2019 का है, 2019 और उसके बाद वाले जितने वेटलैंड हैं उनके हमें टाइमलाइन पता होने चाहिए। एक बात आपके जहन में आ सकता है कि क्या हमें इतने ज्यादा वेटलैंड पढ़ने की जरूरत है? उत्तर है हाँ, जितने वेटलैंड आपने ऊपर मैप में देखे वो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैप में कौन से वेटलैंड नहीं है जो 2019 या उसके बाद बने हैं? तो जो 2019 और उसके बाद डिक्लेयर किए गए हैं रामसार वेटलैंड, बने हैं कहना ठीक नहीं होगा, डिक्लेयर किए गए हैं रामसार वेटलैंड के अंतर्गत, ये कहना सही होगा। तो वो चूंकि करंट अफेयर्स में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, इसलिए उन वेटलैंड्स के बारे में हमें अलग से जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी यूपीएससी ने अब तक 24 वेटलैंड पे क्वेश्चन पूछा है, ये संख्या 24 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपनी टीम से स्पष्ट तौर पर पूछा था कि पिछले 20 साल के कम से कम पेपर देखो और ये देखो कि कौन कौन से वेटलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं वर्ष 2012 के बाद। वेटलैंड से 1.3 क्वेश्चन पर ईयर आता है। जब एक क्वेश्चन वेटलैंड से आता है तो उसमें 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, स्टेटमेंट या ऑप्शन होते हैं। तो इस वजह से तरह तरह के वेटलैंड यूपीएससी ने कवर किए हैं और वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आने वाले वर्षों में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप यूपीएससी 2024, 25 या 26 या उसके बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखो। ज्यादातर स्टूडेंट्स वेटलैंड को 8-10 वेटलैंड तक सीमित रखते हैं क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल्स बस उतने ही पढ़ाते हैं। लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स से शुरू से ये कहते हुए तैयारी करवाई कि वेटलैंड आप किस तरह तैयार करोगे, मेजर सभी तैयार कर लो। जैसे हम यहाँ पे 35 से ज्यादा वेटलैंड के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और पूरे 80 वेटलैंड के बारे में माइन्यूट डिस्क्रिप्शन आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए आप कम से कम ये 35 से 40 वेटलैंड अच्छे से तैयार करो। देखो, ऐसे क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन कहा जाता है। ये वेटलैंड तैयार करने में आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगेगा सारे। अगर आप याद करने के इरादे से भी पढ़ोगे तो इस सेशन को आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब आप पूछोगे अगर ये पीडीएफ मिल जाता तो थोड़ा आसान होता, तो ये पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं। उसके बाद उसके ठीक नीचे वाली लाइन में दी कॉन्सेप्चुअलाइज का एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए, सभी लोग ध्यान से सुने, कुछ दिनों के लिए यानी कि नेक्स्ट 1 वीक अप्रॉक्सीमेट ये पीडीएफ जिसे आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध रहेगा। बट इसकी परमानेंट अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? दी कॉन्सेप्चुअलाइज के एप्लीकेशन पे। तो टेलीग्राम में आप कैसे जुड़ेंगे? तो ये जो आप लिंक नीचे देख रहे हैं दी कॉन्सेप्चुअलाइज के एप्लीकेशन का, उसके ठीक नीचे टेलीग्राम में दी कॉन्सेप्चुअलाइज का टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उसे क्लिक करोगे, सीधे आपको दी कॉन्सेप्चुअलाइज का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ज्वाइन करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो हमारे सारे पीडीएफ पहले वहां आते हैं, हमारे सारी क्लास का नोटिफिकेशन वहां आता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हम जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवा रहे हैं नज 100 का, वहां पे भी हमने कोशिश करी है कि ज्यादातर वेटलैंड कवर किए जाएं, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। सो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां है? तो ये लखनऊ से करीब 45 किलोमीटर दूर
शारदा कैनाल से एसोसिएटेड है, बिकॉज शारदा कैनाल से पानी सप्लाई होती है इस वेटलैंड को, बाकी मानसून रेन का पानी आता है। अब एक बात याद रखना, नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, बिहार और कुछ पार्ट उत्तराखंड, यहां पर चूंकि मानसूनल रेनफॉल है, और यूपी बिहार मध्य प्रदेश की अगर हम और झारखंड नदन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर ड्राई डेसिडुअस डोमिनेट करता है। तो ये जरूरी नहीं कि हम हर बार ये बोले कि स्विट्जरलैंड में कौन सा किस क्लाइमेट के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, लेकिन हाँ अगर कहीं पे ड्राई डेसिडुअस डोमिनेट नहीं करता है, अगर कहीं पे मॉइस्ट डेसिडुअस होगा तो वो इन स्टेट्स में एक्सेप्शनल होगा, तो हम उसका डिस्कशन वहां पे करेंगे। लेकिन जो जनरल क्लाइमेटिक कंडीशन है उनका डिस्कशन हर वेटलैंड के साथ करना अपने आप में एक राइट आइडिया नहीं है, फिर वहां पे आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो। चलिए इसमें एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो पाया जाता है, इसके अलावा पलास फिश ईगल यहां पाई जाएगी एंड वुडी नेक्ड स्टॉर्क। स्टॉर्क एक बर्ड की स्पीसीज है, वुडी नेक मतलब लकड़ी में जो खटखट करते हैं वही, ठीक है। गोल्डन जैकॉल, जंगल कैट और कॉमन वाटर हाइसिंथ, ये तालाब में आपने जो मोटे मोटे पत्थर वाले स्पॉन्जी लीफ्स वाले जो खरपतवार देखे हैं ना, वही है वाटर हाइसिंथ। ये पूरे तालाब को कॉलोनाइज कर लेता है, इसलिए इसको टाइम टाइम पे सफाई भी करवानी पड़ती है उन तालाबों में जहां पे ये ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, या उन वेटलैंड्स में जहां पे ये ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। अच्छा, इसमें ये याद रखेंगे कि शारदा कैनाल से पानी नवाबगंज में आता है, एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर यहां पे पाया जाता है और कॉमन वाटर हाइसिंथ इसमें प्रेजेंट है। ये हाइसिंथ आपको क्यों बताया जा रहा है, कोई रीजन है क्या? हाँ, ताकि अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां के बनो तो तुम्हें पता हो कि इस स्पीसीज का ध्यान रखना है, इसको टाइम टाइम पे हटाना है, क्योंकि अगर ये एक सीमा से ज्यादा डोमिनेट कर गई तो फिर आप वहां कुछ कर नहीं पाएंगे, वो मैदान बन जाएगा, वो वेटलैंड बर्बाद हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, आगरा लिखा है तो आगरा ही होगा, सो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाटर रम्ड वल्चर पाया जाता है, ये यहां पे देखो कॉमन वाटर हाइसिंथ, ये सभी ने देखा होगा ना, ये ऐसे मोटे मोटे पत्ते हैं, इस तरह का फ्लावर होता है, ये पूरे तालाब को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐसा लगता है कि इस तालाब में पानी नहीं है, ऊपर ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। 1 से 1.5 फीट तक इसकी लंबाई होती है, कहीं कहीं पे ये 2 फीट तक के भी हो सकते हैं, बट जनरली 1 फीट इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। हाँ, ये करीब 1/3 पानी में डूबे रहते हैं, फिर इसके नीचे इसकी रूट्स होती है और ऊपर ये प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, कॉमन वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में अगर बार बार आता है तो आप लोग ये इमेज विजुअलाइज करोगे। इजिप्शियन वल्चर यहां पाया जाता है, इंडियन वल्चर यहां पाया जाता है और इसके अलावा व्हाइट रम्ड वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यहां पे प्रेजेंट है। ये 2 ऑक्सबो लेक्स से मिलकर बना है। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, आपने जब मियांडरिंग पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एज जो मियांडरिंग से कट जाता है वो इस तरह का एक लेक बना लेता है, ठीक है, ऐसा लेक बना लेता है, इसे ऑक्सबो या हिंदी में गोखुर लेक कहते हैं, क्योंकि ये गाय के पैर की समान संरचना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, पॉइंट कैलिमोर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, ये कोस्टल एरिया में है मतलब समंदर के किनारे हैं। इसके अलावा ये ज्यादा गहरी नहीं है, सैलो वाटर है, सोर्स लॉन्ग सैंड बार्स इसमें देखे जा सकते हैं, इंटरटाइडल फ्लैट्स देखे जा सकते हैं। ये इंटरटाइडल फ्लैट्स क्या होते हैं, टाइड जब सिल्ट को अपने साथ लेके आते हैं और समंदर के किनारे डिपॉजिट करते रहते हैं तो वो 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर चौड़े फ्लैट मैदान दिखाई देते हैं जिसमें टाइड्स के इम्प्रिंट्स आपको उस सिल्ट में दिखाई देता है, ठीक है, उस सिलिका में दिखाई देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन होते हैं।
जो फोटोग्राफर होते हैं ना वो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं जब वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना हुआ हो, लोगों के पैरों के निशान ना आए हों, और जो टाइडल सेप्स है ना उनकी फोटोग्राफी करते हैं। आप लोग इन्हें गूगल इमेज में जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटर टाइडल फॉरेस्ट, इनको ट्रांजिशनल फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज एक और ओशियन है, दूसरी ओर इंडिया की कॉन्टिनेंटल लैंड है, इनके बीच में ये अपने आप में एक इकोटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, कमेंट करके अगर कोई एक लाइन में डेफिनेशन बता सकता है तो प्लीज आपका स्वागत है। इसमें मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक सलाइन लगून है, सलाइन लगून का मतलब इसका जो पानी है वो नमकीन है। इसमें मैन मेड एक्सप्लॉयटेशन है सॉल्ट के लिए, नमक के लिए एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन इसमें है। इसके अलावा स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ग्रेट पेलिकन, ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की दो स्पीसीज है, एक ग्रेटर एक लेसर, लेसर छोटा होता है, ग्रेटर बड़ा होता है। ये चीजें, ये स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। ये सब बगुले जैसी स्पीसीज है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, पेलिकन प्रॉपरली बगुला है। पेलिकन क्या है? बगुला। आप एक बात याद रखना, जिसे आप बगुला कहते हो नॉर्थ ईस्ट वाले जानते होंगे बगुला क्या होता है, अगर आप बगुला नहीं जानते तो बस आप पेलिकन याद रखो। अभी इमेज आएगा तो हम आपको दिखा देंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम, तो जो वको ध्यानम वाला है ना वही है बगुला, वो सब पेलिकन या ये फ्लेमिंगो, ये सब सिमिलर स्पीसीज हैं, एक जैसी दिखाई देने वाली। आप इनको अलग से अगर देखेंगे तो शायद पहचान भी ना पाए, लेकिन जब आप इन स्पीसीज को एक साथ देखते हैं, जैसे मान लो आप कैमरा लेके जाओ, दूरबीन लेके जाओ, कहां पर, केवला देव नेशनल पार्क में, और सब स्पीसीज को ध्यान से देखिए, ये डिस्टिंक्ट करिए कि कैसे एक स्पीसीज दूसरे से अलग है, तो आपको लगने लगेगा कि अच्छा अब आपने पहचानना सीख लिया है बर्ड्स को। जो बर्ड वॉचर्स हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडिया के फेमस बर्ड साइंटिस्ट कौन थे, कमेंट करके बताइए जरा, एक दो का नाम तो पता ही होगा आपको। ये स्थान रिलीजियस कारणों से भी फेमस है, जो कि भगवान राम से जुड़ा हुआ है। अभी भगवान राम का मंदिर बना है, तो भगवान राम से जुड़े हुए रिलीजियस पिलग्रिमेज और जो एनवायरमेंटल नेचर के हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पोंग डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ब्यास रिवर के पानी से डेवलप होता है, बिकॉज ये रिजर्वायर है, पानी कहां से आता है? ब्यास रिवर से। इसके अलावा ये पार्ट है इंडो गैंजेटिक का। देखो इंडो गैंजेटिक का पार्ट कौन सा होगा, अगर आपको कभी डाउट होता है तो याद रखिए, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, ऐसा मान लो ये इंडिया का मैप है, यहां से ये इंडस रिवर निकलती है और यहां से ऐसा रिवर जाती है गंगा, तो ये पूरा एरिया इंडो गैंजेटिक प्लेन कहलाता है। कौन सा? ये पूरा एरिया, ध्यान से देखिए, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है। इसमें पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान का काफी एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया में नदन मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी और बंगाल तक, विच इंक्लूड्स नदन पार्ट ऑफ उड़ीसा, नदन पार्ट ऑफ झारखंड, ये सभी इंडो गैंजेटिक प्लेन के पार्ट हैं। तो ये वाला डाउट आपको अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्यास रिवर इंडो गैंजेटिक प्लेन, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, नॉट सो इंपॉर्टेंट। रूपर वेटलैंड पंजाब में है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये स्मूथ कोटेड ओटर के लिए फेमस है, स्मूथ कोटेड ओटर। इसमें हॉग डियर पाया जाता है। हॉग डियर क्या है? सुअर के आकार जैसा डियर, हिरन, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। सामर डियर भी पाया जाता है, इंडियन पेंगोलिन भी इसमें पाया जाता है, ठीक। सतलज रिवर के डाइवर्जन से पानी इसमें आता है। तो किस डैम को कौन सी नदी पानी देती है ये अपने आप इंपॉर्टेंट है। विच रिवर फेड्स टू विच वेटलैंड, इट इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यूपीएससी। आप नदियों के नाम, नजदीक में कौन से शहर हैं, कौन सी फ्लोरा फौना पाई जाती है, कौन से इन्वेसिव स्पीसीज पाए जाते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी वेटलैंड का कोई खास फीचर है, जैसे हमने ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, या कल हमने केवला देव के बारे में पढ़ा, तो
वो अपने आप में जो स्पेसिफिक फीचर होते हैं किसी वेटलैंड के, वो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो ज्यादातर वेटलैंड में पाई जाती हैं। हमने कोशिश की है कि उनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उनको एलिमिनेटेड मान के मत चलना। बर्ड्स के बारे में हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट लिए जाएं, उसका कारण है। जब वाइल्ड लाइफ एनिमल की बात होती है तब आप लोग ज्यादातर एनिमल के बारे में जानते हैं, ऐसे बहुत थोड़े से एनिमल हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते। लेकिन जब बर्ड की बात होती है तो ये केस उल्टा है, आप बहुत कम तरह के बर्ड जानते हैं। जैसे जरा सोचिए आप कितने बर्ड जानते हैं, जिनके नाम मैं लेता हूं ये आप जानते होंगे, इसके बाद आप नाम ही नहीं जानते। उदाहरण पैरट, हेन, क्रो, ईगल, पीकॉक, डक, एक दो बर्ड और जानते होंगे बस। तो क्या ऐसे पांच छह बर्ड जान के तुम आईएएस बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो यही पांच छह बर्ड जानते रहोगे? नहीं काम चलेगा। कम से कम आपको इंडिया में 25-30 जो फेमस बर्ड्स हैं, चाहे वो एंडेंजर्ड हो या ना हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। और एंडेंजर्ड है तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो इसलिए तुम जीबी के बारे में जानते हो, क्या ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में जानते हो, अन्यथा नाम ही नहीं सुना होता। आप लोगों में से बताइए कौन ऐसे हैं जो यूपीएससी में आने के पहले ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का नाम भी सुना था? फोटो देखना तो छोड़ दो, अगर सुना था तो कमेंट करके जरा बताओ, मुझे पता चले कि आप कितना बर्ड्स के बारे में जानते हो। इसलिए हमने कोशिश ये की कि ज्यादातर बर्ड्स कवर किए जाएं, ठीक है। खैर हाँ, नदियों के बारे में तो ध्यान देना ही देना है। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, त्रिपुरा का ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, इसके बारे में क्वेश्चन अभी आ चुका है 2022 या 23 में, इस पे क्वेश्चन आया है। ये तीन नदियों से पानी प्राप्त करता है, उसमें तीन स्ट्रीम्स हैं, ये तीन स्ट्रीम्स डिस्चार्ज करते हैं किसमें पानी, गोमती रिवर में, और गोमती का पानी इसमें आता है। एक गोमती रिवर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास भी है जो पीलीभीत से ओरिजिनेट होती है, ये उसके बारे में नहीं है। ये गोमती रिवर है त्रिपुरा प्रदेश के बारे में, त्रिपुरा राज्य के बारे में। अच्छा, ये आइडियल हैबिटेट है किसके बारे में, IUCN के रेड लिस्ट में आने वाले थ्री स्ट्रिप्ड रूफ्ड टर्टल। जरा ध्यान से देखो, यहां पर थ्री स्ट्रिप्ड, इसमें तीन धारियां होती हैं इस टर्टल के ऊपर, ठीक है। तो ये थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल है, ये IUCN रेड लिस्ट में आता है। इसके अलावा ये दशहरा फेस्टिवल के लिए भी फेमस है, इस लेक के आसपास दशहरे के समय 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कल्चर से, आप चूंकि आप हर साल 4-5 क्वेश्चन आता है, तो इस तरह की कल्चर के टर्म एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड होते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कौन सा रिलीजियस पिलग्रिमेज, सॉरी कौन सा वेटलैंड सिख रिलीजियस पिलग्रिमेज से एसोसिएटेड है, मैं आपकी कॉमेंट का वेट कर रहा हूं। हाँ, कमेंट करके बताइए कि सिख पिलग्रिमेज से रिलेटेड कौन सा वेटलैंड है, सिख रिलीजन से रिलेटेड कौन सा वेटलैंड है। कमेंट करो, तब तक आगे चलते हैं। आई होप कि 1-2 मिनट में कमेंट आ जाएगा। रुद्र सागर त्रिपुरा हमने कवर कर लिया है, शामन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, अगेन ये इसका स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर लेक जो कि गंगा के मियंडर के कारण बनती है, और इसमें वल्नरेबल स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है सारस क्रेन, इसके अलावा ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी यहां पे पाया जाता है। ये चित्र देखिए, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल ये है, इसके पंख में नीचे देखिए बड़े बड़े सफेद कलर के इस जो मार्क बने हैं, इसीलिए इसे स्पॉटेड ईगल कहा जाता है। समसपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तर प्रदेश तो पूरा इंडो गैंजेटिक का पार्ट है। इसमें 6 कनेक्टेड लेक्स हैं। तो अगर अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज लेक्स विच इज ट्रूली मेड बाई 6 कनेक्टेड लेक्स, अगर 7 कनेक्टेड लेक्स आ जाए तो क्या होगा, नैनीताल।
सिक्स कनेक्टेड लेक्स हो जाएगा तो कौन होगा? समसपुर बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, रायबरेली। अब रायबरेली में भी कि हमारे साउथ इंडिया के दोस्त ना जानते हों तो रायबरेली वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे सोनिया गांधी जी अब तक चुनाव लड़ती थी। ठीक है, खैर इसमें इजिप्शियन वल्चर पाया जाता है, क्यों? ये इंडेंजर्ड है इसलिए इसका हम इसको नोटिस करेंगे। इसके अलावा पलास फिश इसमें पाई जाती है, इसके अलावा कॉमन पॉर्चर्ड जो कि वल्नरेबल है वो भी यहां पाया जाता है। सांभर लेक इंपॉर्टेंट, सांभर लेक से क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्ट और एक बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, पहला नोट करो, ये फैक्ट लिख लो, कम से कम इस तरह का फैक्ट तो लिख लो। इसके अलावा ये थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोस के लिए फेमस है, जो विंटरिंग एरिया है, विंटर के समय ये बर्ड यहाँ पे आते हैं। स्पेशलाइज्ड अल्गी यहाँ पे पाई जाती है, स्पेशलाइज्ड अल्गी एंड बैक्टीरिया पाया जाता है, नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे कहना चाहिए। इसके जो इसको स्ट्राइकिंग वाटर कलर देती है, ठीक है, और स्पेशल इकोलॉजी इसके लिए डेवलप करती है, इसमें वाटरफॉल, नील गाय, डियर एंड फॉक्सेस पाए जाते हैं। स्ट्राइकिंग फीचर किसके कारण है? तो अल्गी और बैक्टीरिया के कारण, ऐसा हम तीन चार वेटलैंड के केस में देखेंगे। ठीक है, लेकिन लोनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोटिस करेंगे कि लोनार लेक में हमने ये अरेकिया की बात करी, जैसे ईस्ट बैक्टीरिया ये सब होते हैं ना, उसी तरह अरेकिया एक स्पीसीज होती है, तो अरेकियन के बारे में हम लोग लोनार लेक में जब पढ़ेंगे तो उसको आप नोट करोगे। संडी बर्ड बर्ड सेंचुरी ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, अगर आप कभी ट्रेन से जाइए तो संडीला नाम का रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये उसके एकदम नजदीक है, वहां के लड्डू काफी फेमस है। हाँ, अलग है, जो नॉर्मली आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, अपने मार्केट में देखते हैं, ये उससे अलग होते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन बताने की जरूरत नहीं, हरदोई डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। रेड क्रेस्टेड पॉर्चर्ड, कॉमन टील, ये सब बर्ड है। इसके अलावा फेरुजिनस डक यहाँ पाया जाता है, सॉरस क्रेन जो कि वल्नरेबल है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिफाई किया गया है। ऐसे 10 से 12 इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इंडिया में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो जिन्हों की बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नोटिफाई किया है। नॉर्मली ये ज्यादातर सलीम अली से रिलेटेड हैं, उनके रिसर्च इससे जुड़े हुए हैं, इस वजह से। आप लोगों ने अब तक कॉमेंट करके नहीं बताया, आई विश कि आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ वेटलैंड कौन सा है। एक और, दशहरे से जुड़ा हुआ वेटलैंड कौन सा है? दशहरा फेस्टिवल डैश करके कमेंट करके बताइए। ठीक है, सराई नवार, सरसई नवार झील या सरसई झील अगर लिखा है तो भी, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? ऐसा हम सिर्फ एक ही दो जगह पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है ह्यूमन और वाइल्ड फोना के बीच में या वाइल्ड लाइफ के बीच में कोहैबिटेशन का, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कोहैबिटेशन का, मतलब इसमें वाइल्ड लाइफ ही अपना काम कर रहे हैं और मनुष्य वहां पर खेती भी कर रहा है। ठीक है, तो कोहैबिटेशन का उदाहरण कौन सा है? तो सरसई नवार झील, इसमें वाइल्ड व्हाइट रम्ड वल्चर पाया जाता है। नहीं, ये व्हाइट रम्ड नहीं है, ये कौन सा है? हाँ, ये वूली नेक्ड स्टॉर्क है, वूली नेक्ड स्टॉर्क बर्ड ये है। ठीक है, क्यों? इसके गले में वैसे फेदर जैसे, जैसे आप स्कार्फ डालते हो ना, फर वाले स्कार्फ, वैसा डिजाइन इसके गले में नेचुरली है, यही इसकी यूएसपी है। तो अगर ये कहा जाए कि वूली नेक्ड स्टॉर्क कहां पाया जाता है, तो ये दो तीन जगह पाया जाएगा। जब क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता है तो कठिन हो जाता है। अगर ये बोला जाए कि वूली नेक्ड स्टॉर्क कहां पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इटावा में पाया जाता है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि सरसई नवार झील में पाया जाता है। सरसई झील भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। कुछ और चीजें देखेंगे,
इसमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्यों? इसमें हजारी महादेव टेम्पल है इसलिए, बराबर है। और देखते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको मार्क किया है, और ये पोटेंशियल टू थ्रेटन साइट ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब इसमें जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो लॉस हो रहा है, किसके कारण? ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण। तो हमको इस तरह के थोड़े थोड़े रीजंस भी पता होने चाहिए। हाँ सास्थम कोटा लेक कहां पे है, नाम से पता चल जाएगा, केरला में है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में। अच्छा एक बात है, क्या ये केरला के लार्जेस्ट लेक है? नहीं, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इस शब्द पे ध्यान दो, ठीक है। कलाडा रिवर, इसका पानी, इसको पानी सप्लाई करते हैं, तो इस लेक का जो वाटर रिसाइकल होता है, सॉरी रिप्लेनिस होता है, बदलता है, वो कलाडा रिवर के कारण होता है। इसमें हाँ देखो एक बार भी बना हुआ है। बार क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वाटर बॉडी है और यहां पे कोई ऊंचा टीला है, जिसके कारण, और इधर यहां पे पैडी की फार्मिंग हो रही है, धान की खेती हो रही है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसमें होता है। सैंड माइनिंग के कारण ये सास्थम कोटा लेक थ्रेटेंड कंडीशन में है, मतलब ये कि सास्थम कोटा लेक का इकोलॉजिकल कैरेक्टर हार्म हो रहा है। तो अगर कल को मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में कुछ और वेटलैंड के नाम पहुंच जाते हैं तो सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि हम अपने वेटलैंड का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर वहां पे सैंड माइनिंग हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारे देश से कुछ और वेटलैंड के नाम मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में पहुंच जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, ओके। हैदरपुर वेटलैंड कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ये मैन मेड है, मतलब नेचुरल नहीं है, ठीक है। और मध्य गंगा बराज से बना है, जैसे मान लो गंगा ऐसे बह रही है तो बीच में कहीं पर गंगा में ओवरफ्लो हो रहा है, तो इस ओवरफ्लो को डाइवर्ट करके एक बराज बना लिया जाता है जिसमें कि पानी भर जाता है, और वही पानी अब हैदरपुर वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। एक और चीज, जो हस्तिनापुर, अब नाम हस्तिनापुर मेरठ का है तो ये मेरठ के नजदीक होगा, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें बॉर्डर बनाती है, ठीक है। गंगा का जो फ्लड प्लेन है उसमें ये हैदरपुर वेटलैंड है, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैदरपुर वेटलैंड से अपना बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और देखते हैं सुंदरबन वेटलैंड, ये इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, इसका क्षेत्रफल 4230 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिए सुंदरबन का कितना क्षेत्रफल है, 4230 वर्ग किलोमीटर। देखेंगे वेस्ट बंगाल में है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैंग्रोव फॉरेस्ट तो इसका है ही फेमस। ये यहां पर डेल्टा रीजन है, किसका? गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 60% ऑफ कंट्रीज टोटल मैंग्रोव, यानी कि भारत देश के टोटल मैंग्रोव का 60% मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाया जाता है। लेकिन मैंग्रोव वन का एक सब टाइप है, कौन सा वन? इंडियन मैंग्रोव्स। इंडियन मैंग्रोव्स का 90% वो सुंदरबन में पाया जाता है। ये दोनों हमने अलग बातें करी, आपने नोट किया तो ठीक, नहीं तो कमेंट करके बताओ, दोबारा इसको दोहराया जाएगा। हाँ विवेक ने कंजली बताया, ये सिख पिलग्रिमेज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही विवेक, गुड। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि दशहरे फेस्टिवल से रिलेटेड कौन सा वेटलैंड है इंडिया में? सुरिनसार मनसार लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, झेलम रिवर बेसिन पे है, मतलब बेसिन का मतलब जहां से, जहां पर वो रिवर पानी कलेक्ट करती है जिस एरिया से, उसे रिवर का बेसिन कहते हैं। तो झेलम रिवर बेसिन पर सुरिनसार मनसार लेक है। ये साइट्स और IUCN के रेड लिस्ट में आने वाला स्पीसीज जिसका नाम है इंडियन फ्लैपसेल टर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्लैपसेल, देख लो ये इसके नीचे छोटे छोटे डॉट्स है ना, यही है इंडियन फ्लैपसेल टर्टल। दूसरा
इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, ये आपको और किसी वेटलैंड में पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। किसको? सुरिनसार मंसार को, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, साइट्स और IUCN की रेड लिस्ट में आने वाला इंडियन फ्लैप सेल और इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल यहां पाया जाता है। स्पष्ट है ना? तो फ्लैप सेल तो हमने देख लिया, सॉफ्ट सेल कौन सा होता है? ये टर्टल है। लेकिन जैसे आपने टर्टल का ऊपर हार्ड कवर देखा ना, वो इसमें हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए फेमस है, एस्चूरियन कोट है, इसके अलावा कॉमन मोरन, ब्लैक नेक्ड ग्रैब, टफ्ट डक, ये सारे और एनएस, ये सारे बर्ड की स्पीसीज यहां पे पाए जाते हैं। और देखेंगे, सो मोरोरी लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बात करेंगे पता चल जाएगा। सो मोरोरी कहां पे है? लद्दाख में है। जरा देखते हैं, इसमें एक साइड फ्रेश वाटर है, दूसरे साइड ब्रैकिश वाटर है, और इसका अल्टीट्यूड देखिए कितना है, 4595 मीटर ऊंचाई पर ये वेटलैंड है। शायद अभी कंफर्म करना बाकी है, शायद इंडिया का सबसे ज्यादा अल्टीट्यूड में पाया जाने वाला, सबसे ऊंचाई में पाया जाने वाला वेटलैंड सो मोरोरी होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कोई होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो कि रामसार की लिस्ट में है। साथ में ध्यान दो दूसरा स्टेटमेंट, छोटे छोटे पोखर तालाब की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो लद्दाख में बहुत है, ऊपर नुब्रा वैली में मिल जाएगा इससे ऊपर 6000 मीटर पे। बट रामसार वेटलैंड की अगर हम बात करें, जो रामसार की लिस्ट में है, उनमें संभवतः ये सबसे ऊपर है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं, आप उसे कंफर्म करो। ठीक, तो इसके आसपास मीडोज हैं, मतलब चारागाह जहां पे जानवर चारा खाते हैं, और इसके अलावा ये बोराक्स लेडन वेटलैंड है, इसमें बोराक्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये आपको पता चलेगा, यहां से ध्यान दो, ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड द चाइना है, चाइना के बाहर ये अकेला ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां पर वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन, सारस जिसे आप बोलते हैं ना, क्रेन वही होता है, वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन जिसको बोलते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये जिसका गर्दन काला होता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन यहां पे ब्रीडिंग करता है, और ये चाइना का बाहर अकेले, चाइना के बाहर ये अकेले ऐसा वो स्थान है जहां पे ऐसी ब्रीडिंग होती है, किसकी? ब्लैक नेक्ड क्रेन की। और दूसरा, ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है किसका? बार हेडेड गीस का। ये भी बर्ड की स्पीसीज ही है, बार हेडेड गीस का ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है। द ग्रेट टिबेटन सीप अर्गाली, ग्रेट टिबेटन सीप, तिब्बत का ग्रेट सीप मतलब भेड़, जिसको हम अर्गाली बोलते हैं, वो यहां पे पाया जाता है। इसके अलावा टिबेटन वाइस वाइल्ड एस, जो कि यहां पे एंडेमिक है, वो तिब्बतन प्लेटू के इस भाग में पाया जाता है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक बात और, हम इतना डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं? यूपीएससी ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक, इसलिए हम इसे बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने चाहिए, उन्हीं पे फोकस है, क्योंकि IFS का एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम और यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम एक साथ होता है, इसलिए एनवायरमेंट के आप कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 नहीं, 2021 में आए थे 18 क्वेश्चन, 2022 में आए थे 21 क्वेश्चन, 2023 में आए थे 19 क्वेश्चन, तो लास्ट 3 ईयर का एवरेज कितना हो गया, 20 प्लस, लास्ट 5 ईयर का एवरेज कितना है, 2019 से लेकर 2023 तक कितना एवरेज है, 20। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इनमें वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर, फोर लाइनर, फिफ्थ लाइनर तक के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, मैंने आपसे बताया कि आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ये सारे वेटलैंड आप तैयार कर सकते हो। ऊपर पर कुछ वेटलैंड जान के क्या करोगे, फाइनली तुम्हें निकालना तो यूपीएससी है ना, अपने फील गुड के लिए पढ़ रहे हो क्या कि 10-5 ऐसे मोटा मोटा याद कर लिया, आई एम वेरी गुड, मुझे अब आने लगा वेटलैंड। जब यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी की तरह पढ़ो, थोड़ा गहराई में पढ़ो,
छोड़ने की जरूरत क्या है, क्या इतना कठिन है क्या? वैसे भी जो इंपॉर्टेंट है हम उन पे ही फोकस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अच्छा अभी और इस, हम हैं अभी सो मोररी वेटलैंड पे, उसी के बारे में और अभी कुछ है देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सो मोररी, ठीक है। ये चंगतांग क्या है, एक रीजन है पहाड़ में लद्दाख में, प्लेटू का रीजन है, ये भी तिब्बतन प्लेटू का ही पार्ट है। तो यहां पर एक बेयरली फील्ड पाया जाता है, मतलब जिसका नाम है कारजोक, उसको हाईएस्ट कल्टीवेटेड लैंड का खिताब दिया जाता है। किसको? कारजोक को। इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना? और यहां का क्लाइमेट कैसा है? अब जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि जब डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्लाइमेट कहीं पे होगा तो हम बात करेंगे। दो शब्द एक साथ आए हैं, ध्यान देना, एरिड स्टेपे क्लाइमेट, स्टेपे मतलब माइल्ड टू कोल्ड, माइल्डर कोल्ड टेम्परेचर यहां पे पाया जाता है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड से थोड़ा कम, बट कोल्ड टेम्परेचर यहां पाया जाता है, लगभग ब्रिटिश टाइप का। अगर आप ब्रिटिश टाइप जानते हैं तो आपको पता होगा, मेडिटेरेनियन से थोड़ा ज्यादा ठंडा। एरिड क्यों? क्योंकि मॉइस्ट नहीं है, ये सूखा है। मॉइस्ट स्टेपी क्लाइमेट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट क्लाइमेट, जो ब्रिटिश टाइप का होता है। लेकिन ड्राई ब्रिटिश क्लाइमेट, जिसको कि एरिड स्टेपे क्लाइमेट भी कहते हैं, वो यहां पे पाया जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा खेती वाला जमीन कहां पर है? चंगतांग प्लेटू में, और ये कहां है? लद्दाख में। और उस इसका इस खेत का क्या नाम है, इस तरह की खेत का, इसका एक टाइप है जिसको बोलते हैं कारजोक, जिसका कि एरिड स्टेपे कंडीशन का क्लाइमेट है। ये एंशियंट ट्रेड रूट का हिस्सा था, और अभी कारजोक में खेती करने वाले लोग यहां पे आते जाते हैं, ठीक है। ये 400 साल से पुराना, ज्यादा पुराना एग्रीकल्चर फील्ड है। और कारजोक मॉनेस्ट्री, ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ये यहीं पे है। सो आर्ट एंड कल्चर कनेक्ट हुआ, हाँ। और ये मॉनेस्ट्री के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस लेक का पानी यूज नहीं करते, क्यों? वो इसे सेक्रेट गिफ्ट मानते हैं, इसलिए वो इसको कंजर्व करते हैं और इसको इस्तेमाल नहीं करते। वो इसे सेक्रेट गिफ्ट ऑन लिविंग प्लेनेट मानते हैं, ठीक है। और ये रिकॉग्निशन किसकी ओर से है? WWF इंडिया की ओर से उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब ये ऐसा 10-20 लोगों की कल्पना पे आधारित नहीं है। आगे, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच, कानपुर से जब हम थोड़ा सा ईस्टवर्ड जाते हैं तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो इसी बराज में जो छोटा सा डैम है नरोरा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये अपर गंगा का पार्ट है, लोअर गंगा बिहार और बंगाल में होता है। सो अपर गंगा का पार्ट है, IUCN रेड लिस्ट में आने वाला गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन यहां पाया जाता है, इसके अलावा घड़ियाल यहां पाया जाता है, क्रोकोडाइल और 6 स्पीशीज पाई जाती हैं टर्टल की, एंड ओटर भी यहां पे पाया जाता है। एक लाइन में पूरा क्वेश्चन है। सो ये है वो घड़ियाल, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखना। कैसा है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सॉरी इसको CR लिखते हैं शायद, हाँ, EN एंडेंजर्ड होता है, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। तो ये घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कहाँ पाया जाता है? अपर गंगा रिवर बराज में, ब्रिज घाट से नरोरा के बीच के स्ट्रेच में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं वेम्बनाद कोल, अब ये है इंडिया का लार्जेस्ट, वो केरला का लार्जेस्ट वेटलैंड है ये, ठीक। ऊपर जो हमने बोला था वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक था केरला का, वेम्बनाद कोल वेटलैंड केरला का सबसे बड़ा लेक है, और ये आलापूजा, कोट्टायम और अर्नाकुलम, थ्रिसूर, मालापुरम, इन 5 जिलों में पड़ता है, इतना बड़ा है, ठीक है। हाँ, ये फेमस टूरिस्ट लोकेशन आलापूजा एंड कुमारकोम, जो हाउस बोट के लिए जाना जाता है,
जो बोटिंग के रेस होते हैं ना, वे मनाथ पोल में होते हैं। कहां पे होते हैं? तो ये आलापूझा और कुमारकोम के बीच में होते हैं, हाउस बोट के लिए। ठीक, अब पंबा रिवर इसको पानी देता है। देखिए, इसके अलावा अचनकोविल और वेम्बनाद, वेम्बनाद हम ये पढ़ रहे हैं, अचनकोविल ऐसी एक और लोकेशन है जो कुट्टानाट के लिए फेमस है। कुट्टानाट वर्ड लिख लो अच्छे से, तुम्हें पता होना चाहिए कुट्टानाट वर्ड क्या है। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। कुट्टानाट एक बिलो सी लेवल पर प्रोड्यूस होने वाला राइस है, राइस फील्ड है कुट्टानाट। और इसका जो राइस है वो कई न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण महंगा होता है। ये बिलो सी लेवल है। बिलो सी लेवल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस लेवल पर समुद्र का पानी है, तो ये यहां पर इस लेवल के नीचे आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, समुद्र के नीचे कैसे हो सकता है? ऐसे कि जैसे मान लो यहां पर ये ओशियन है ऐसे, ठीक, तो यहां पर कोई मान लो बरियर है और यहां पर ये अपने आप में राइस फील्ड है, तो ये बरियर के कारण ओशियन का पानी इसमें नहीं आ पाता, अन्यथा लो लैंड है, ओशियन का पानी इसमें भर जाता। ठीक है, इसमें एग्जॉटिक फिश भी पाई जाती है। एग्जॉटिक फिश का मतलब जो वहां की नेचुरल पानी पाई जाने वाली फिश नहीं है। एग्जॉटिक का मतलब होता है वो इन्वेशिव नेचर का है, बाहर से कहीं से आया है। और कुट्टानाट राइस के बारे में हमने बात करी, तो वो पैडी फील्ड, ये बिलो सी लेवल है, ये सब हम बात कर चुके हैं। और देखते हैं वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, भूलना नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, इसमें वाटर चेस्टनट उगाया जाता है। वाटर चेस्टनट क्या होता है? नॉर्थ इंडिया वाले जानते होंगे, सिंघाड़े को वाटर चेस्टनट कहते हैं। आपके यहाँ जैसे गुलाबी और हरे कलर के सिंघाड़े होते हैं, तो यहां पर इस तरह की गुलाबी कलर के सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े ही। चेस्टनट का मतलब होता है वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा होता है। आसन बराज कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पे है? देहरादून में। पहला तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये यमुना रिवर के कन्फ्लुएंस में आता है। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर पाया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और व्हाइट रम्ड वल्चर जो कि एंडेंजर्ड है, और बियर पॉर्चर्ड यहां पाया जाता है। तो ये है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड। यहां पे देखो इसका सर किस कलर का है? लाल कलर का है। और ये वल्चर की स्पीसीज है, बराबर है ना। और कुछ देखते हैं, कुंवर ताल, कन्वर ताल और कवर ताल लेक कहां पर है? बिहार में। तो ये डॉल्फिन के लिए फेमस है। इसमें पांच क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। किसके? जिसमें कि थ्री वल्चर हैं। कौन कौन सा? रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर। देखो व्हाइट रम्ड वल्चर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अभी पीछे हमने उसे एंडेंजर्ड कहा, आप उसे करेक्ट कर लो, सभी लोग उसे करेक्ट कर लो कि व्हाइट हेडेड रम्ड वल्चर जो है, व्हाइट रम्ड वल्चर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इसके अलावा इंडियन वल्चर्ड। एक बात और, वल्चर पे जब भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, या टर्टल पे जब भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसका साइंटिफिक नेम उसने उसके साथ में दिया। क्यों? क्योंकि वल्चर के कई सारे नाम मिलते जुलते हैं, और यही बात टर्टल के साथ है कि आपको नाम मिलते जुलते हैं, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यूपीएससी कैसे लिखेगा। तो ऐसे केस में आप साइंटिफिक नेम भी साथ में लिख लेना, याद होगा तो अच्छा, नहीं याद होगा तो कम से कम उसमें क्लिक तो कर सकता है ना, इनके नाम लिख लेना। इनके, अब ध्यान दो, रेड हेडेड वल्चर को सेरकोजिप्स कल्वस कहते हैं, व्हाइट रम्ड वल्चर को जिप्स बेंगा लेनेसिस भी कहते हैं, इंडियन वल्चर को जिप्स इंडिकस कहते हैं। ठीक, तो ये तो इसमें जो है 3 out of 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई।
इसके अलावा दो और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उसका नाम है सोसिएबल लैपविग, ये जो पानी में होता है और अपना ही बोट बना लेता है, ठीक, तो सोसिएबल लैपविग इसको बोलते हैं। दूसरा बियर पॉर्चर्ड, ये भी यहां पाया जाता है, ये सब बर्ड है, ठीक है। हाँ, इसको इसका वाटर मैनेजमेंट किया जाता है ड्रेनेज के लिए, वाटर एब्स्ट्रैक्शन के लिए, डैमिंग के लिए एंड कैनलाइजेशन के लिए, मतलब डैम बनाकर पानी को चैनलाइज किया जाता है, सिंचाई के लिए ले जाया जाता है, पीने के लिए ले जाया जाता है बिहार में, ठीक है। वो सारी चीजें इससे एसोसिएटेड है, इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है, बताने की जरूरत नहीं, फ्लड प्लेन बताने की जरूरत नहीं। ये 1.5 मीटर गहरा है, मतलब ज्यादा गहराई नहीं है इसमें। बिहार में जो बाढ़ का रीजन है ना, इसको बिलोंग करता है ये। एक बार मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, बिहार में गरीबी का क्या कारण है? उसने बोला बाढ़। कि 3 महीने ऐसी स्थिति रहती है कि आधा बिहार डूबा रहता है, और जिसकी वजह से वहां पर फैक्ट्री नहीं लग सकती। कितना नाइस आंसर है, अल्टीमेट नहीं है बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। बाकी अगर आप में से कोई बिहार से, तो कमेंट करके बताइए क्या हमारी ये राय ठीक है। चलिए, सूर सरोवर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? इसको कीथम लेक भी कहते हैं, नाम पहले तो पता होना चाहिए। ये ओरिजिनली क्रिएट किया गया था किसके लिए? आगरा में गर्मी में पानी की सप्लाई करने के लिए। कहां पर है? आगरा में है, गर्मी में पानी की सप्लाई करने के लिए, मतलब मैन मेड है। अच्छा, एक बात और, हमने अपने आर्टिकल में मैन मेड नहीं लिखा, कहीं भी ह्यूमन मेड लिखा। ये भाषा थोड़ी थोड़ी आप भी अपनी राइटिंग में ठीक करो और हम बोलने में ठीक करें, बिकॉज अभी तक हम मैन मेड करते आ रहे हैं, वुमन की कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं हो रही। तो बोलते कि जो वहां पे मैन मेड लिखा है उसमें उस मैन का मतलब वुमन भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, हमने मान लिया, बट भाषा ठीक कर लो, उसे ह्यूमन मेड लिखो, क्या प्रॉब्लम है? इसमें ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल पाया जाता है, यहां पे ऊपर देखो, सारस क्रेन पाया जाएगा, वॉल्गो कैटफिश पाया जाता है, और सेंट्रल एशियन हाईवे का पार्ट है, वो तो बताने की जरूरत नहीं। ग्रेलाग गूस, जिसको आंसर कहते हैं, ये है ग्रेलाग गूस, ये है आंसर भी इसको कहते हैं साइंटिफिक तौर पर। इसका इंपॉर्टेंट है, चित्र देख लो, आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट, लोनार लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, लोनार लेक वोल्केनिक क्रेटर पर बेस्ड है, और इसके नीचे इग्नियस रॉक है, उस इग्नियस रॉक से साल्ट पार्टिकल बराबर रिलीज होते हैं। अब चूंकि लोनार लेक कैसा है? एंडोहेरिक है। एंडोहेरिक का मतलब क्या होता है? एंडोहेरिक का मतलब यह होता है कि जैसे ये लोनार लेक है, इसका पानी कहीं निकल नहीं सकता, क्यों? ये वोल्केनिक क्या है? क्रेटर। पानी नीचे जा सकता है? नहीं, नीचे भी नहीं जा सकता, क्यों? ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस सबसे हार्ड रॉक होते हैं, तो इसका जो पानी है वो इवेपोरेशन से उल्टा रहता है, और इसमें जो साल्ट पार्टिकल है वो नीचे जमते रहते हैं, इसलिए ये महाराष्ट्र के इनलैंड में होने के बावजूद भी कैसा है? ब्रैकिश वाटर है, नमकीन पानी। सब में क्रॉस लगाया, देखो, मतलब इसका पानी बाहर कहीं नहीं जा सकता एक्सेप्ट इवेपोरेशन, और इसका साल्ट पार्टिकल नीचे रह जाता है, यही वजह है। ये तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, कितना पुराना है? 5,000 साल पहले, 50,000 साल पुराना है। बसाल्ट रॉक पर आधारित है, सर्कुलर शेप में है, मीटियोराइट इंपैक्ट के द्वारा बना था, यानी कि मीटियोराइट इसमें गिरा था जिसकी वजह से गड्ढा हो गया है, ठीक है। इसमें हाई सैलिनिटी अल्कलिनिटी है, रीजन हम बात कर चुके हैं,
और इट इज वन ऑफ द फोर नोन, ध्यान दो, इट इज वन ऑफ द फोर नोन हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर बसाल्टिक रॉक एनी वेयर इन द अर्थ है, यानी कि धरती में सिर्फ चार इस तरह के वेटलैंड हैं, वाटर बॉडीज हैं कह सकते हैं, या ऐसे प्लेसेस हैं जैसा कि लोनार लेक है महाराष्ट्र का। इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब चूंकि इसमें पानी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इसमें ज्यादा है और पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो जिसकी वजह से वो मिनरल निकल नहीं पाते और वो पानी को नमकीन बनाते हैं, सलाइन बनाते हैं। चलिए, एशियन वूली नेक बर्ड यहां पाया जाता है, कॉमन पॉर्चर्ड बर्ड यहां पाया जाता है, ये वल्नरेबल है, ग्रे वॉल्फ यहां पाया जाता है। इसके अलावा इसे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जीएसआई ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, किस तरह से, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर। और देखते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर सी जे ई अलेक्जेंडर ने इसे यूनिक जियोग्राफिकल साइट बोला था। इसके अलावा इसमें हेमतपंती टेम्पल्स है, टेम्पल है। लोनार लेक के पानी का कलर कैसा है, पिंक, पिंक दिखाई दे रहा है ना, कैसा, पिंक, क्यों, क्योंकि इसमें एक अरेकिया प्रेजेंट है जिसका नाम है हेलो अरेकिया, ये माइक्रोब है, ठीक, हेलोफिक अरेकिया एक बैक्टीरिया की सब स्पीसीज है जिसका पिंक पिगमेंट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है पिंक पिगमेंट, और इसके पिंक पिगमेंट के कारण इसका पानी कैसा है, पिंक, लोनार लेक का पानी पिंक है। टूरिस्ट प्लेस है, कभी घूमने जाइए तो देख के आइए। सोकर लेक, अभी हमने सो मोरोरी देखा, तो आप सोकर देखते हैं। सोकर लेक कहां पे है, लद्दाख में है, ये हाई अल्टीट्यूड में है, ऊंचाई है। चंगतांग, अभी हमने देखा चंगतांग प्लेट्यू वहां पर है, ये भी 4,500 मीटर के हैं, काफी ऊंचा हो गया। इसमें फ्रेश वाटर स्टार्स पक्सो एंड लार्जर हाइपर सलाइन सोकर, तो देखो स्टार्स पक्सो जो है ये फ्रेश वाटर है, और जो सोकर है दूसरा वो हाइपर सलाइन है। यहां पर सोकर क्या होता है, सोकर का मतलब होता है वाइट साल्ट, जो झाग के रूप में, एफर्वेसेंस नहीं होता झाग, जैसे साबुन का झाग होता है वैसा, उस तरह से लेक के किनारे किनारे जम जाता है, ऑन द मार्जिन ऑफ लेक, क्यों, एवेपोरेशन के कारण, और इस वजह से ये पानी वहां पे सलाइन होता है। इसके अलावा ये एक स्टॉप ओवर है, स्टॉप ओवर का क्या मतलब होता है, कल्पना करो कि तुम दिल्ली से पैदल जा रहे हो बंगाल, और तुमने बीच में वाराणसी के पास रेस्ट किया, खाया पिया, रात में आराम किया, एक दो दिन रेस्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह उसे हम बोलते हैं स्टॉप ओवर, यानी कि आप बनारस में कुछ समय के लिए रुके, तो वो स्टॉप ओवर है। तो बर्ड्स के लिए ये एक स्टॉप ओवर है, कौन, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का को फॉलो करते हुए इंडिया आते हैं या इंडिया से जाते हैं, तो ये बीच में उनके लिए एक हाल्टिंग पॉइंट है। इसमें पानी कहां से आता है, तो जो ग्लेशियल वाटर है वो मेल्ट होकर यहां पे पहुंचता है, और इसमें ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सो मोरोरी के बारे में बोला था, तो सो मोरोरी, सोकर, ये सब एसोसिएटेड लेक्स हैं, मतलब एक ही रीजन में पाई जाने वाली, ठीक। तो उसके केस में भी ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात हुई थी। इसमें एंडेंजर्ड सेकर फाल्कन भी पाया जाता है, एंड ढोल, ये गधे की स्पीसीज है, ये भी पाई जाती है, स्नो लिपर्ड भी यहां पे पाया जाता है। तो इसने एंडेंजर्ड सोकर फाल्कन का चित्र है ये, आप इसे देख सकते हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन हम ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है, हरियाणा में है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फारूख नगर रोड में है, गुड़गांव से 15, गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर है केवल। इसके अलावा दूसरा
बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये भी हरियाणा में है। एक दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट उनको नोट कर लेंगे। हाँ, कब बना? 2021 में उसे रामसार वेटलैंड का स्टेटस मिला, इसलिए इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कैनाल का जो सरप्लस वाटर है उसको स्टोर करने के लिए ये बनाया गया था। और अब यहां पे बहुत सारे बर्ड्स आते जाते हैं जैसे, अच्छा, और साहिबी रिवर जो इसको पानी सप्लाई करती है वो अरावली से निकलती है। जवाहरलाल नेहरू कैनाल कैसे कैनाल है? तो ये लिफ्ट कैनाल सिस्टम है, मतलब इसका पानी मैकेनिकल मेथड से उठाया जाता है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, ये मैन मेड है, फ्रेश वाटर लेक इस है ये। ठीक है, और इसके अलावा इसमें खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे एसोसिएटेड है। कुछ और, इसमें ब्लैक नेप्ड हेयर एंड मैंगूस, ये सब बर्ड की स्पीसीज हैं, पाई जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये ब्लैक नेप्ड हेयर है ये, और एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पलास फिश ईगल एंड ब्लैक बिल्ड टर्न, ये अदर बर्ड्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और ये थॉल लेक कहाँ पे है? तो गुजरात में है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, सैलो फ्रेश वाटर है, मैन मेड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट रम्ड वल्चर यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा सोशिएबल लैपविंग ये भी यहाँ पे पाया जाता है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल सारस क्रेन पाया जाता है, कॉमन पॉर्चर्ड पाया जाता है, लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूस पाया जाता है। चलिए, ये चिंकारा है, ब्लैक बक, ये भी यहां पाया जाता है। इसका नाम भले यहां पे नहीं लिखा हुआ लेकिन ब्लैक बक यहां पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये ब्लैक बक क्या है? जो सलमान खान वाला केस है ना, ये इसी ब्लैक बक के बारे में है, चिंकारा स्पीसीज के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इसको पूछते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा वधामन वेटलैंड गुजरात में है, 2021 में इसको रामसार का स्टेटस मिला है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं? तो सेमी एरिड क्लाइमेट है। अब देखो, पश्चिम के जितने स्टेट है ना, राजस्थान गुजरात, इनमें सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब सूखा, लगभग सूखा। रिवर और सांग इसमें पानी देता है जो कि ज्वाइन करता है किसको? नर्मदा रिवर को, एट चंदोद स्थान पर। इसमें एंडेंजर्ड पलास फिश ईगल पाया जाता है, ये है एंडेंजर्ड पलास फिश ईगल। इसके अलावा ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फर्जिनस डक भी यहां पे पाया जाता है। बखीरा सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर में है, ये उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न पार्ट में है संत कबीर नगर। हाँ, सेंट्रल एशियन हाईवे का पार्ट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। और खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहां पर है? गुजरात में है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, माइग्रेटरी बर्ड इसे एसोसिएटेड है, साल्ट एंड फ्रेश वाटर मार्शलैंड है। इसके अलावा करिकिली बर्ड सेंचुरी है कहां पर? तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। चेन्नई से कितनी दूर है ये? 75 किलोमीटर, साउथ ऑफ चेंगलपट्टू के पास। एंड कुछ और फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट, पलिकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, चेन्नई का ओनली सर्वाइविंग, ध्यान रखो, चेन्नई का ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड बचा है, बाकी सब खत्म हो गए तमिलनाडु में। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे है? तमिलनाडु में है, कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, नियर चिदंबरम विलेज। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब लार्जेस्ट नहीं है, भितरकनिका और सुंदरबन से छोटा है। पाला वेटलैंड कहां पे है? तो ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिजोरम में, सराउंडेड बाय ग्रीन वुडलैंड, हरे हरे पेड़ों के बीच में पाला वेटलैंड है मिजोरम में, मिजोरम का सबसे बड़ा है। साखे सागर कहां पे है? मध्य प्रदेश में,
माधव नेशनल पार्क इससे एसोसिएटेड है। सतकोसिया गॉर्ज सतकोसिया टाइगर रिजर्व से एसोसिएटेड है और ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व याद रखना, सतकोसिया टाइगर रिजर्व यूएन प्रोटेक्टेड एरिया है। ये देखो यहां पे यूएन प्रोटेक्टेड एरिया है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को नोट करके रखेंगे। नंदा लेक ये कुर्चोरम गोवा में स्थित है, जुआरी रिवर से इसमें पानी आता है, गोवा में जुआरी रिवर है ना उसमें। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मैंग्रोव एरिया है। इसके अलावा रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नॉट इंपॉर्टेंट। मगर क्रोकोडाइल इंपॉर्टेंट है, मगर क्रोकोडाइल यहां पे पाया जाता है। हम्पबैक्ड मसीर ये मछली की एक प्रजाति है, ये मछली ऐसे होती है ना नॉर्मली ऐसे, तो इसमें एक छोटा सा हम्प भी होता है, मतलब ये वाली जो फिश है वो ऐसे है, ऐसे इस तरह से, ये डिफरेंस है। स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये स्पॉटेड नहीं, ये शायद ब्लैक हेडेड आइबिस है। देखो ब्लैक हेडेड आइबिस, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, ये सभी बगुले की स्पीसीज है टेक्निकली अगर हम बात करें, इसलिए इनकी संरचना बगुले जैसी है, बट बगुले में भी कई स्पीसीज होते हैं, पेलिकन आइबिस ये सब थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ पहचाने जाते हैं। वेम्बनाड वेटलैंड कहां पे है, सॉरी वेम्बनूर वेटलैंड कहां पे है, तो ये तमिलनाडु में है, मैन मेड इनलैंड टैंक। एक बात याद रखना, कर्नाटका तमिलनाडु केरला और आंध्र प्रदेश में रॉकी स्ट्रक्चर में कई ऐसे पानी के स्ट्रक्चर हैं जो पुराने राजाओं ने कभी बनवाए, बाद में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हमने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो वहां पर बर्ड्स और ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए और अब वो हो गए वेटलैंड। उनमें से एक ये है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, राजक मंगलम से 4 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में है, ये वाटर बर्ड के लिए फेमस है। विलॉट बर्ड सेंचुरी कहां पर है, इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी मैन मेड टैंक है, जैसा अभी हमने ऊपर बताया ना वो, इसका भी ये वही कहानी है, इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इसके अलावा उदय मार्ट हंदपुरम बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तो ये भी तमिलनाडु में है, थिरुवरूर में पड़ता है। इसके अलावा वेदांग बर्ड सेंचुरी, वेदांगल बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में है। सिरपुर लेक मध्य प्रदेश में है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में तिरुनल वेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तांपारा लेक कहां पे है, उड़ीसा में, नॉट सो इंपॉर्टेंट। हीराकुंड रिजर्वायर हीराकुंड डैम से एसोसिएटेड, उसका अतिरिक्त पानी यहां पे लाया जाता है, ठीक है। और ये डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एसोसिएटेड है, डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, यशवंत राव होलकर के नाम पे ये है, होलकर राजा थे। इसके अलावा चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। हाँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सुचिंद्रम थिरूर बर्ड सेंचुरी यहां पर है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। वदुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, काजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, थाने क्रीक मुंबई में है महाराष्ट्र में। इसके अलावा हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर में है, सालबाग वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है, अंकास मुद्र बर्ड कंजर्वेशन कहां पे है, कर्नाटका में। ये है मैन मेड विलेज इरिगेशन टैंक, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पहले पानी पीने के लिए और ह्यूमन यूज के लिए टैंक जो बनाए गए थे वो अब वेटलैंड बन गए हैं।
यहां पे पॉइंटेड स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस, तो ये पेंटेड स्टॉर्क का एग्जांपल है। इसे देख लो, पेंटेड, देखो रंग बिरंगा स्टॉर्क है, ये भी अपने आप में बगुले की प्रजाति है, याद रखने के लिए बस मैं बोल रहा हूं, इनको नोट करेंगे। सरोज गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो। इसके अलावा अघासिनी, अंघासिनी एस्चुरी कहां पे है? कर्नाटका में। ये अंघासिनी रिवर से बना हुआ है। और हां मगादी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ये क्या है? बार हेडेड गूस के लिए फेमस है। बार हेडेड गूस ये भी बर्ड की एक स्पीसीज है, कर्नाटका में है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आता। नाम पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज यूपीएससी विकल्पों में देखे फंसा लेते हैं कई बार, तो हम बच जाएंगे, इसलिए स्टेट और उनके नाम थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। करवित्ती बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है? तो ये नदन, एक मिनट, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? कोई नहीं, इसमें कोई ये बर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। पिनटेल डक थोड़ा सा देख सकते हो, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो इसमें ब्लैक चिंड, नीलगिरी, लंगिथ्रुस कोई स्पीसीज होगी, डोंट नो, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और नीलगिरी वुड पिजन, ये नीलगिरी वुड पिजन है, तो ये यहां पे पाए जाते हैं। एंड यस, आप में से जिसने अब तक नज 100 टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, ये शॉर्ट पेपर टॉपिक वाइज है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द, इट इज इंडिया मोस्ट स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेट टेस्ट सीरीज फॉर यू। अपनी तैयारी की शुरुआत से ही से ज्वाइन करो, जो टॉपिक पढ़ो उससे संबंधित क्वेश्चन लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी तैयारी में गैप कहां पर है। तो जब गैप पता चल जाएगा तो गैप एनालिसिस करके गैप ब्रिज करो, ठीक है? कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कॉन्सेप्चुअल आइस का नीचे ऐप दिया हुआ है फोन नंबर्स के नीचे, या फोन नंबर्स के माध्यम से आप लिंक प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड करो। सी सेट के 12 टेस्ट पेपर आप सभी को फ्री में मिलेंगे। जीएस के 100 टेस्ट पेपर 4999 में है, ठीक है? उसे आप प्राप्त कर सकते हो। टाइम टाइम पे इसमें कूपन आते हैं, तब इसमें आपको 2000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। उस पेपर जरूर चेक करिए, इसमें 30 पेपर तक आपको फ्री में मिल सकते हैं अगर आप इसे लगातार व्यू करते हैं तो, क्योंकि वो पेपर कभी कभी फ्री होते हैं, हमेशा फ्री नहीं होते, ठीक है? ये इंडिया की मोस्ट स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेट टेस्ट सीरीज है, वो आप करके देखोगे तो पता चलेगा। साथ में ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इस तरह क्वेश्चन कवर किए जाएंगे टॉपिक वाइज। इसके अलावा पेपर इस तरह से 85 पेपर पूरे टॉपिक वाइज हैं, और हर पेपर के साथ 1.5 से 2 घंटे का डिस्कशन आपको लाइव मिलेगा, ठीक है? तो अपनी आईएएस की राह में दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। आप सभी को दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय अच्छा हो। थैंक यू सो मच।